होकर के जीव भगवान का चरण को प्राप्त कर लेता है। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण है सत्य। जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते हैं, वो झूठ झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा नंबर है पान। इसी तरह का कहीं नस्ली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, मदिरा, यहाँ तक भी चाय भी अच्छी चीज नहीं है। इसलिए इसको जो ग्रहण करते हैं वो तपस्या नहीं कर सकते। स्त्रियम, स्त्रियम का मतलब है बड़े स्त्रियों को ऊपर में भी कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री है? जो व्यक्ति अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों का संग करते हैं वहाँ पर कलिजा निवास है। धर्म का तृतीय चरण है पवित्रता, उससे ये पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस है, मछली है, अंडा है और प्याज लहसुन भी खानी नहीं चाहिए। अगर कलयुग में केवल यही चार नियम का पालन करी और केवल भगवान थोड़ी नाम जप करी, एक बार सबके सब हाथ उठा कर करो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे संतुष्ट नहीं हुआ। भले मैं कहाँ कहाँ घूमते फिर, कौन जुआ खेलता है, कौन शराब पीता है, कौन मांस खाता है, मेरे को ऐसे एक जगह दे दो जो एक जगह पर सब चीज मिल जाए। तब उन्होंने सुवर्ण में स्थान दे दिया। मतलब है जहाँ पर वो ज्यादा पैसा होता है वहीं पर ये सारे गलत काम सारे को सारे होते हैं। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। आज इतनी जोर से उनको प्यास लग रही थी, कभी जिंदगी में लगी नहीं। एक ऋषि की आश्रम पर पहुंचे, वो ऋषि सचमुच से प्रभु का भक्ति कर रहे थे। उन्होंने उनको पानी मांगा लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया। बोले मैं देश का राजा हूँ और राजा आपकी घर में आए थोड़ा पानी मांगने के लिए, अब ये पानी तक भी नहीं दे सके। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उन्हें उनको गले में उसको पहन करके चले गए। अभी उनको छोटा बच्चे को जब पता चला, उसने कौस की नदी का पानी को उठाए, बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला मैं उनको अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। अभी आकर के थोड़ी सी रोना शुरू कर दी तो पिताजी की आँख खुल गई। यहाँ प्रश्न होता है, श्री परीक्षित महाराज इतना देर से चिल्लाते चिल्लाते गला फट गया, ये ऋषि की नेत्र नहीं खुली, लेकिन उस पर बेटा थोड़ी सी आकर के रो पड़ा तो इनका आँख ही खुल गया। बोले क्यों? क्या श्री परीक्षित महाराज और कोई थे? अब ये अपना बेटा था? बोले नहीं। बोले कारण क्या? बोले इसका दो कारण है। पहले ऋषि लोग जब भजन में बैठते थे वो इतने ध्यान में आविष्ट हो जाते थे, बोले महीना महीना तक इनकी नेत्र नहीं खुलता था, समाधि नहीं खोलता था। अभी जोग माया ने देखा, अभी परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके ये भागवत प्रार्थना। अगर ऋषि अगर ऐसे बैठ गए अभी परीक्षित महाराज को पता ही नहीं चले, फिर ये भागवत कथा कैसे होगी?
दूसरा कारण ही आपका घर में कोई साधु आए लेकिन आप उनको आतिथ्य सत्कार नहीं करें, हैं? श्री परीक्षित महाराज देखने पर लगता ही गृहस्थ है लेकिन वो बहुत बड़े संत है जिन्होंने मातृगर्भ में भगवत दर्शन किया, ठाकुर जी को गोद में जिसने लालन पालन किया है, वो बहुत बड़े साधु है। शास्त्र में बताया बोले छह तरह से संतों को चरण में अपराध होता है, बोले हंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णवानां जे अभिनिंदन्ति क्रुद्धते जातिन हर्ष दर्शने पतनानि स। बोले हंती जो साधु को हत्या करते, दूसरा नंबर है निंदंती जो निंदा करते, तीसरा है भक्तों को देख करके जो अभिनंदन नहीं करते हैं और देख करके जो क्रोध करते हैं और देख करके जिनको प्रसन्न नहीं होता है, जो संतों को विद्वेष करते हैं। यदि छह तरह से संतों का चरण में अपराध, मानो यहाँ पर परीक्षित महाराज आए उनको अभ्यर्थना ही नहीं हुआ, पानी नहीं पिलाया और वहाँ से वो चल दिए, एक तरह से साधु चरण में अपराध हो गया। अगर साधु चरण में अपराध हो जाए ना तब भक्ति से आपको चुप तो होना पड़ता है, इसलिए ये जो समाधि में बैठे हुए थे इनकी समाधि टूट गई। देखा बेटी को रोते हुए, बोले बेटा क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे परीक्षित महाराज आए थे, आपको पानी मांगे, आपने पानी नहीं दिया, आपकी गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर किया, मैं अभिशाप दे दिया। बोले नालायक, तेरे को पता है ये कौन है? ये कृष्ण के परम भक्त हैं, हमारे अहोभाग्य था हमारे आश्रम पर आए थे, इनकी चरण हमारे आश्रम पर पड़ा, पानी तो दिया ही नहीं अभिशाप दे दिया। बोले आज से मैं ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ, इनकी जो बात शक्ति ये सब पे सब नष्ट हो जाएगी। तब से ब्राह्मणों को वाक्य में जो शक्ति थी तब से सारे बात शक्ति खत्म हो गई, उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले कम से कम परीक्षित महाराज को पता चले, लेकिन परीक्षित महाराज तो गए यहाँ से बाद में बड़े दुखी हुए। बोले क्यों? बोले मैं अर्जुन का वंश धर हूँ और अर्जुन का सखा कृष्ण है, हमारे वंश में सबके सब संतों को आदर किया, कभी अनादर नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे कि कुलाकार जन्म लिया, साधारण प्यासा में आकर के एक संतों को गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने अच्छा नहीं किया। अगर हमने कोई अपराध कर डाले इसके लिए कोई दंड मिल जाए ना, सब जो सारे अपराध हमारे जमा हो, इसलिए सोच रहे थे कोई मुझे दंड मिलनी चाहिए। इतने में एक बालक ने आकर के बोले, बोले महाराज श्रृंगी ऋषि ने आपको अभिशाप दिया है, सप्तम दिवस में आपको तत्काल दर्शन करेगा। वो दुखी नहीं हुए? अगर हमें कोई बोल दिया ना साथ में मर जाओ फिर क्या होगा, अब तो आधा ही मर जाएंगे और दिन रात हमें चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कृष्ण भक्त थे ना, बोले देखो मेरे ऊपर में तो संतों का बड़ी कृपा है, क्योंकि मरने का एक मिनट पहले किसको पता नहीं चलता मैं मरने वाला, लेकिन मेरे को भगवान की दया है, ये सात दिन अंदर में मैं कभी नहीं मरूंगा, मरूंगा तो सात दिन को बाहर नहीं मरूंगा। उन्होंने अपना बेटे को राज्याभिषेक करके उन्होंने प्राय प्रवेशन किया। प्राय प्रवेशन का मतलब है जब तक ये मृत्यु नहीं आ जाए तब तक मैं पानी में नहीं पीऊंगा। उन्होंने श्री गंगा जी की चरण का आश्रय लिया। बोले गंगा कौन है? बोले भगवान की चरणा में, मानो उन्होंने ठाकुर जी की चरण को उन्होंने आश्रय लिया। पहले ऋषियों के पास में कोई फोन नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, लेकिन इनको अंदर में ऐसे दिव्य ज्ञान होती थी, वहां पर 88,000 ऋषि लोग वहां पर एकत्रित हो गए। परीक्षित महाराज देखा अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में भगवान की वरदान है। देखो
कितने सारे भक्त भी यहाँ बैठे हैं। एक साधु दर्शन जीवन में दुर्लभ है और इतने सारे साधुओं का दर्शन अहोभाग्य है। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, बोले आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो परसों, एक ना एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा। कोई नहीं बोल सकता है मैं मरूंगा नहीं, लेकिन इनका क्या कर्तव्य है आप कृपा करके हमें बताइए। लेकिन वहां पर नासव मनिर जस मतम न भिन्न, ऐसे कोई ऋषि थे नहीं जिसका मत ही अलग नहीं था। किसने कहा गणेश जी की उपासना करो ये सारे विघ्नों को विनाश नहीं करने वाले? किसने कहा उसने मैया क्या कहीं चली गई उनको मैया की पूजा करना? किसने कहा क्या उनको पिताजी भोले बाबा कहीं चले गए? किसने कहा मृत्युंजय की पाठ करो? अभी ये ऋषि लोग जितने थे वो आपस में शास्त्र अर्थ करने लगे। परीक्षित महाराज ने देखा कहा वर्षा जब कृषि सुखाई, मेरे पास में कोई साधी भी नहीं है, लेकिन ये साधु लोग तो आपस में तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। यद्यपि लास्ट में एक ही मीमांसा में पहुंच जाएंगे, श्रोतक कृतक स्मर्तक इष्टाभयम्। अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते हैं भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करें और भगवान की स्मरण करें। लेकिन जब ये मीमांसा में पहुंचते पहुंचते पहले अगर मेरा प्राणी चला गया तो इसका क्या महत्व रह जाएगी? इन्होंने हृदय से भगवान को स्मरण किया, ठाकुर जी आप ही मुझे कृपा करके मातृ गर्भ में रखा दिया था, दर्शन दिया था, मेरे मन में एक ही इच्छा है 7 दिन तक केवल तुम्हारी कथा सुनते सुनते जीवन बीत जाए, आप किसी तरह से एक ही व्यवस्था करो। जब उन्होंने हृदय से उन्होंने प्रार्थना की भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट हुए। श्री सुखदेव महाराज की जय। जय श्री बोलते उनके उम्र कितना था? बोले 16 साल की, देखने में कृष्ण ही जैसे अजान लंबित भूख, नासिका सुख भगी जैसे, छाती रक्तस्थल विशाल, कमर पतला, एकदम चबीस लक्षण जो महापुरुष की इनके अंदर में दिख रहा था। और वो इतने सुंदर थे देखने में, बच्चे लोग तो समझ रहे थे भाई पागल है, वो सबके सब धूल झोंक रहे थे। स्त्रियां तो इनकी रूप को देख कर बोले हे भगवान ये तो साक्षात काम देव जैसे, लेकिन लगता है जैसे पागल हो गया है। ऐसे करते करते कभी नाचते हुए, कभी कीर्तन कर रहे, कभी हंस रहे, कृष्ण प्रेम में। जब उन्होंने ऋषियों के बीच में पहुंचे, ऋषि लोग तो इनको देख करके समझ गए क्योंकि इनके अंदर में प्रेम का 8 लक्षण है, स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण, ये 8 लक्षण इनके अंदर में, ये सारे वो सारे 8 लक्षण दिख रहा था। जैसे सोनार सोने को पहचान सकते हैं, और वहां पर तो बड़े बड़े ऋषि लोग थे, उनको पिताजी की पिताजी की पिताजी बैठे हुए थे वहां पर, गए सबको उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते ही जो व्यास गति था ना, उनने सीधा व्यास गति पर बैठ गए। फिर तो परीक्षित महाराज ने एकदम उनको प्रश्न की उन्होंने झड़ी लगा दी, बोले अतः पृच्छा में संसिद्धि योगिनांग परमं गुरु पुरुषस्य तत्त प्रियमानस्य सर्वथा। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके यह बताइए, जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन आप देखना किसी जगत में जैसे एक फैक्ट्री बना दिया, फिर सोचता है दूसरा फैक्ट्री कैसे हो गया, एक गाड़ी आ गई कैसे दूसरे गाड़ी आ गया, एक दुकान खोल गया दूसरा दुकान खोले कैसे है, भारत का सबसे ज्यादा पैसा वाला बन गया, सोचता है पृथ्वी का कैसे सबसे ज्यादा पैसा वाला बन। देखना इसी जगत में हम कहते हैं ना कमाई, कमाई मतलब क्या, कम आई और ज्यादा आनी चाहिए।
इस जगत में किसी किसी को भी तृप्त नहीं है, किसी को भी तृप्त नहीं इस जगत में। इसलिए बोले राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख उतारे। इसलिए इनका प्रश्न है क्या वस्तु पाने पर जी का हृदय पूर्ण हो जाए, उसको ऐसे लगे जीवन में सारे सुख मिले, किसी चीज की कमी नहीं, और जीव का कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या है। इसलिए आप कृपा करके जो पूछा और नहीं पूछा आप कृपा करके बताइए। जब मैंने प्रश्न की इसको सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, बोले बाप तुमने कितना सुंदर प्रश्न किया है। बोले बैया सत्य प्रश्न बोले तुम्हारे जो प्रश्न है ना, जो आत्मा में जो रमण करने वाले योगी लोग भी तेरी प्रश्न को सराहना करेंगे, क्या तुमने सुंदर प्रश्न किया। तब उन्होंने इसका उत्तर देते हैं, बोले देखो परीक्षित महाराज, जब किसी व्यक्ति को पता चल जाए हमारे मृत्यु पास में है, उसको उसी समय ये संसार त्याग कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बेटा बेटी नाती पोती बीच में रह करके भजन करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है उसका दर्द। इसलिए किसी किसी तीर्थ स्थान में जाओ, जा करके भक्तों का संग करते हुए और वहीं पर भगवान की भजन करो। बोले देखो तुम ये मत समझो तुम्हारे पास में 7 दिन है, अभी 7 दिन में क्या होगा चिंता मत करो। एक राजा हुए भारत में जिनका नाम था श्री खंडवांग, इन्होंने एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में उन्होंने भगवत दर्शन कर लिए। जब ये बड़े पराक्रम थे ये खंडवांग महाराज, एक समय देवता दैत्य में बड़ी घमासान युद्ध हुई, देवताओं ने खंडवांग राजा को उन्होंने सेनापति पद में नियुक्त किया और इनकी सहारा लेकर उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया। अभी 33वीं करोड़ देवता प्रसन्न, बोले बेटा तेरे वजह से देवताओं की जय हुई, देखो इस बात को ध्यान देते सुनो, बोले तेरी वजह से ये हम लोगों को विजय प्राप्त हुई, बताओ जो कुछ मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। राजा ने पूछा पहले आप लोग बताओ मैं और कितना साल जीता रहूं, क्योंकि तुम लोग उसे वरदान लेकर के भोगी तो करूंगा। बोले हाँ, बोले पहले बताओ मैं कितना दिन जीता रहूंगा। बोले तेरे पास में कुल 48 मिनट है, इसको बाद में तुम मरने वाला। बोले एक काम कर सकते हो, मेरी परमायु को थोड़ी और बढ़ा सकते हो। बोले नहीं कर सकते। बोले हमें मुक्ति दे सकते हो। बोले नहीं कर सकते हो। तब उन्होंने बताए जब मेरे परमायु को बढ़ा नहीं सकते हो, मेरे को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हो, फिर आपका परमायु को लेकर हम करेंगे क्या, बताओ तो ऐसे कौन सा देवता है जो हमारी परमायु भी बढ़ा सके और हमें मुक्ति दे सके। बोले ऐसे कोई देवता है क्या। बोले हाँ ऐसे एक देवता है श्री बांके बिहारी, इसलिए उनका एक नाम मुकुंद, इसका मतलब क्या, बोले मुक्ति ददाती जा मुकुंद, मतलब ये भव सागर से हमें जो मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने बोले एक काम करो, मेरे को ऐसे एक विमान दो, मैं जल्दी से जल्दी ये स्वर्ग लोकों से मैं मरते जगत में जाऊं और मैं भगवान की भजन करूं। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया स्वर्ग में भजन नहीं हो सकती, स्वर्ग में भजन नहीं हो सकती। बोले क्यों, बोले स्वर्ग में ज्यादा भोग है, जहां पर ज्यादा भोग है वहां पर भक्ति करना बड़ा असंभव है। इसलिए बोले भजन का स्थान कहाँ, बोले ये मरते जगह, ये पृथ्वी लोग है। इसलिए भागवत में देवता लोग भी प्रार्थना करते, बोले प्रभु हमें ये मरते जगत में जन्म दो। कहाँ पर, अमेरिका में, लंदन और फ्रांस में। बोले नहीं विदेश में नहीं,
हमें जन्म देना तो ये भारत में जन्म दो। बोले कौन सा घर में? बोले हिंदू घर में जन्म, क्योंकि जो हिंदू धर्म है ये सनातन धर्म है। गीता भागवत रामायण है, जितने कृष्ण राम सबके सब कौन सा परिवार में आए? सबके सब हिंदू घर में आए हैं। इसलिए देवता लोग भी इसी भक्त जगत में जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो लोग हिंदू परिवार में जन्म ग्रहण किए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण, माइक वाला सब देख कर सकता हूँ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, भगवत दर्शन कर ली थी और तुम्हारे पास में तो सांप और सांप भी हैं। इसलिए कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर के यहाँ पर बैठो और केवल भगवान की कथा सुनो। देखो जब तक तुम कथा सुनते सुनते तुम्हें ये अनुभूति नहीं होगी हमने की भवसागर से हमारी पार हो गई, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एकदम निश्चित होकर यहाँ पर बैठो कथा सुनो। तब उन्होंने बताया देखो ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर ये साधारण जन्म नहीं, जिसको भगवान राम कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो सन पा Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Hare
आप बताओ
एक पेड़ में कितना किलो होगा बता? 1000 किलो होगा। बोले एक एक चंदन का वृक्ष नहीं, तेरे को करोड़ों करोड़ रुपया एक एक वृक्ष का कीमत है, और मैंने क्या दिया था तेरे को? ये संपूर्ण तेरे को मैंने ये बाग दे दी, लेकिन तुमने क्या किया? वो सारे बाग को तुमने काट दी और जला करके उसको कोयला दाम में सब बेच दिया। उसको तुमने कोयला दाम में सबके सब बेच दिया। ये तो भैया इसका मतलब क्या है? कभी जो मानव शरीर, देखो ध्यान देकर मेरे तरफ पूछना, कभी जो मानव शरीर नहीं, ये चंदन की भगवान ने हमें बाग दिया है। चंदन का बाग का मतलब क्या है? इसी मानव शरीर से हम भगवान की भक्ति और भजन कर सकते हैं। ये 84 लक्ष जन्म में केवल एक जीवा हमें ठाकुर जी ने दिया जिससे हम भगवान के नाम जप कर सकते हैं। केवल दो ही हाथ ठाकुर हमें दिया जिसको द्वारा तुम ठाकुर को चरण की सेवा कर सकते हो। केवल दो ही कान दिया जिससे हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं। केवल एक ही मन दिया जिसको द्वारा हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। इसके बल ये मानव शरीर नहीं, ये चंदन की बाग हमें ठाकुर ने दिया, लेकिन हमने ये जीवन पा करके क्या किया? इसको जला दिया। जला करके जिसका एक किलो का कीमत 30,000 रुपये था, लेकिन उसको ना हमने 50 रुपया में उसको बेच दिया, 50 रुपया में इसको बेच दिया। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब है इसी जीवन में प्रभु को भजन करते हुए हम ठाकुर जी को पास में जा सकते थे, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन माम उपतुम कुपंते पुनर्जन्म न विद्यते। इसी मानव शरीर से तू मेरे भजन करके तू मेरे पास में आ सकते हो, जहाँ जाने पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, बुढ़ापा नहीं, चिरकाल के लिए तुम अमरत्व को तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हमने क्या किया? ये जीवन को पा करके हमने कुल 4 काम करके ये जीवन को हमने बर्बाद कर दिया। कितना काम करके? 4। बोले 4 काम किया? बोले 3 में 2 काम करते हैं और रात को 2 काम। बोले 3 में 2 काम किया? बोले पैसा कमाओ और उसी पैसा से परिवार को मेंटेनेंस करो। बोले रात को सोना और विषय भोग करना, बच्चों को जन्म देना। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कि जो 4 काम हम कर रहे हैं, ये 84 लक्ष जन्म मानव शरीर जन्म से पहले हमने जो 84 लक्ष जन्म भ्रमण किया, हम तो यही एक काम करते रहते हैं, खाए पिए, बच्चे जन्म दिया, बड़ा करके मर गए। एक देखो कुत्ते को देखो, 4-5 बच्चा दे देता है। एक मुर्गा को देखो, एक साथ में 21 अंडा देता है, 21 बच्चा जन्म दे देता है, 1 महीना में पालन करके उसको छोड़ देता है। अगर हमने इसी जीवन में पा करके थोड़ी सी लिखा पढ़ा सीख गए, कोई नौकरी कर लिया, शादी कर लिया, 2-4 बच्चों को पालन करके बस राम नाम सत्य हो गए। परीक्षित महाराज को कह रहे ये कोई बढ़िया काम नहीं है, कि हर जीवन में तो यही करते करते आए, लेकिन ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों बताया? बोले एक ही कारण है, इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसलिए ये मुक्ति की द्वार है। कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, और पाई न जई पर लोक सवारा। भगवान राम कहते हैं जो ये मानव शरीर पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया, तो पूछ और सींग कट जाने वाले वो 2 पैर की जानवर है, हाँ वो इंसान नहीं। हे परीक्षित, ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने 3 तरह का भक्ति की बात बताई, पहले भगवान की कथा सुनना, दूसरे में कीर्तन करना और तीसरे में स्मरण करना। अब ये तीनों भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान के नाम कीर्तन, भगवान की नाम कीर्तन कलयुग में सबसे ऊंचा भगवान की नाम कीर्तन। एक बार हाथ उठा करके बोले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि घर जोर कर दे बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी सृष्टि का क्रम को बता रहे हैं। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई। भगवान ब्रह्मा जी देखा पानी पानी कमल नार में उन्होंने लाख जन्म तक ढूंढे लेकिन कोई पता ही नहीं पड़ा मेरी सृष्टि कहाँ से। फिर वो ऊपर में आते हैं कहते व्यंजन वर्ण का सोलहवा एकोस में अक्षर सुने ता अरूपा बोले तुम तपस्या करो। तपस्या किया तो भगवान इनको बंसी ध्वनि को द्वारा भगवान कृष्ण इनको गोपाल मंत्र प्रदान किया। ये जो गोपाल मंत्र है ये सबसे पहले कृष्ण ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को दिए। नारद जी व्यास व्यास पर धीरे 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 ये सत्य जुग से ये धीरे 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 ये मंत्र ये मर्त्य जगत तक आया है। अब ये जो गोपाल मंत्र है कहते ब्रह्मा इसी से दुनिया को उन्होंने सृष्टि इसी मंत्र से किया। इसलिए इसी मंत्र से ठाकुर जी को भोग लगता है। जब तक ये मंत्र को कोई ग्रहण नहीं करे ना ठाकुर जी को भोग सही नहीं लगता है। इसलिए नियम है देखो मेरे तरफ में देखो जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये मंत्र को जो खाना देते हैं ठाकुर जी को हाथ का नीचे करके ऊपर हाथ को इसे नीचा करके उल्टा हाथ को ऊपर नीचे हाथ को नीचे करके वो मंत्र को दस बार बोलने चाहिए तभी ठाकुर जी इसी मंत्र से प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ये नियम है और यही मंत्र मूल मंत्र है जिसको द्वारा ये सृष्टि रचना हुई है और ये गुरु परंपरा से ये मंत्र इस जगत में आती है। इसलिए शास्त्र में बताया संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते है विफला मता अतः कलो भविष्यति चत्वार संप्रदाय। ये पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कि देखो अगर कलयुग में किसी को भगवान की भक्ति करना कहते मैंने चार ही संप्रदाय बनाया श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक ये चार ही वैष्णव संप्रदाय। अगर किसको भगवत मंत्र लेकर के भजन करना तो ये चारों में कोई एक संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के मंत्र ग्रहण करनी चाहिए नहीं तो शास्त्र कहता है नहीं तो आपको मंत्र जप करने का फल नहीं मिले। बोले कैसे क्यों कारण है कि आप बोले कारण है अगर हमारी ये गुरु परंपरा भगवान को साथ में जुड़े हुए हो तभी ये कोई फल प्रदान करता है। जैसे आपको अगर हम पूछे भैया आपका पिताजी का नाम क्या आप बोलो मेरे पिताजी का नाम ये बोले उनको पिताजी का नाम क्या आप बोलो मेरे पिताजी का नाम ये उनको कुछ कर तुम्हारी पिताजी का नाम क्या आप बोलो। अब देखना ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा ठाकुर तक जाएगा क्योंकि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की ब्रह्मा जी मनु महाराज को सृष्टि की। मनु महाराज से पांच संतान हुई कहते प्रिय व्रत उत्थान प्राप्त आकृति देहूति प्रसूति। फिर धीरे धीरे जो सृष्टि का क्रम धीरे धीरे बैठ गया है इससे जो जन्म होता था मन से शरीर से नहीं मन से लेकिन जो पति पत्नी के मिलन से जो सृष्टि हुई ये मनु महाराज से। इसलिए हमको ये मानव कहलाते हैं हमको ये मानव कहलाते हैं। तब ये गुरु परंपरा जानी चाहिए भगवान तक जानी चाहिए तभी वो गुरु परंपरा जीव को भगवत प्राप्ति कराता है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान ये ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दी ब्रह्मा जी फिर नारद जी ऐसे करते करते ये परंपरा आई गई। अभी ब्रह्मा जी सर्वप्रथम चतुसन को सृष्टि की बोले देखो बेटे भगवान का निर्देश है ये सृष्टि का क्रम धीरे धीरे बढ़ते रहे लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया हम हर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते नहीं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया इनके ललाट से रुद्रदेव प्रकट हुए तब उन्होंने शंकर जी को भी बताए। शंकर जी बोले अगर मैं डायरेक्ट मना कर देता हूँ मेरे पिता तो बिगड़ जाएंगे फिर हैं जैसे बड़े भाई पर बिगड़ गए। उन्होंने
भूत विशाचों को सृष्टि करना प्रकाश बोली। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है ना, भूत विशाच जरूरत नहीं, बंद करो। शंकर तो प्रसन्न हो गए, फिर अपना परछाई से कर्दम ऋषि को प्रकट किए, फिर उन्होंने मनु शतरूपा को सृष्टि किए, फिर यही से ही धीरे धीरे की परंपरा आई है। अभी इसलिए मैं फरीदाबाद में बता रहा था, हम लोग कहाँ से सृष्टि हुए, कहाँ से सृष्टि हुए, भगवान से आए। लेकिन हमारे जो साइंस जो डार्विन का थियोरी कहता है, हमारे पूर्वजों पहले बंदर थे, ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया, फिर ये हम इंसान बन गए। लेकिन हमारे जो स्वामी महाराज कहते, जो प्रभुपाद वो कहते हैं, बोले भैया हम बंदर से नहीं हुए, हम तो ठाकुर जी से हुए। किससे हुए हैं? ठाकुर जी से। ये डार्विन का जो पिता माता है ना, ये बंदर थे, लेकिन हमारे पिता माता कोई बंदर नहीं थे। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं, हम कहाँ से हुए, हम सबके सब भगवान से हुए हैं। इसलिए गीता कहता है ममई बांस जीव लोग जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है वो सब के सब मेरे औलाद है। इसलिए हम क्या कहते हैं, तुम्हें व माता च, तुम्हें व माता च, तुम्हें व बंधुश्च, तुम्हें व सर्वम। तो वो कौन है? भगवान है ना, ना बंदर है। हाँ, ये बंदर ना भगवान है। इसलिए हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम भगवान से हुए हैं। आप पुराण पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल में भी यही बात बताया, गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज। भगवान ने अपना जैसे जीव को सृष्टि किया। पुराण पढ़ करके देखो, वहां भी कहते हैं अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया, कहीं नहीं बताया तो बंदर से हो गए। फिर ये डार्विन ने ये बात क्यों बताई? ये मरने से पहले डार्विन बता के गया, बोले ये सरकार मेरे को प्रेशर दिया था, तुम इसको प्रूव करके दिखाओ हम बंदर से हुए। बोले क्यों? बोले जीवों को नास्तिक बनाना चाहता था डार्विन। भगवान भगवान कुछ है नहीं, हम तो बंदर से हम सबके सब हो गए हैं, ये नास्तिक बनाना चाहता था। डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले कभी भी बंदर से इंसान नहीं हो सकता। इसलिए उसने एक बंदर का खोपड़ी, एक गरिला का खोपड़ी ले लिया और लगा दिया, लगा करके लोगों को बेवकूफ बना दिया, देखो कैसे बंदर थे, और धीरे धीरे बंदर से कैसे हम इंसान हो गए। नहीं, हम बंदर से नहीं हुए, हम सबके सब श्री भगवान से हुए। नहीं हा? हम सबके सब ठाकुर जी से हुए। देखो इसका प्रूफ देखो, आपका सबका सब गोत्र है ना, गोत्र है कि नहीं? आपका कौन सा गोत्र माता जी? तुम्हारी गोत्र क्या है? कश्यप। आपका गोत्र क्या है? भारद्वाज। लेकिन यहाँ पर पूछो सबका एक एक गोत्र, ये गोत्र आया कहाँ से, ये गोत्र आया कहाँ से? ये गोत्र आया भगवान से। ब्रह्मा जी उन्होंने 10 संतान को उन्होंने जन्म दिया है। हम लोगों ने जिस ऋषि की परंपरा से आए हैं, जब हमें गोत्र पूछा जाता है, हम अपना गोत्र का नाम बताते हैं, गोत्र आया कहाँ से। अगर बंदर से होते तो फिर बंदर ही हमारा गोत्र होता, बंदर ही गोत्र होता। बोले उसी समय एक बंदर से इंसान क्यों बना? अभी तो बहुत सारे बंदर है, हैं? यहाँ बंदर है ही नहीं, यहाँ नहीं है ना, वृंदावन जाओ बहुत सारे बंदर है। बोले अभी तो कोई बंदर कोई इंसान नहीं बन रहा है, बल उसी समय बंदर क्यों इंसान बन गया, अभी काम क्यों नहीं बन रही। इसलिए ये जो डार्विन जो थ्योरी है ये एकदम बोगस थ्योरी है, ये हमारी गीता भागवत वेद इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम कहाँ से हुए, हम सबके सब श्री मन महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। इसलिए श्री मन महाराज जी एक ग्रंथ लिखे हैं, उसका नाम है मनुस्मृति। वो मनुस्मृति ग्रंथ में ये मानवों को क्या क्या करनी चाहिए, उनको कैसे गृहस्थ धर्म जाचन करनी चाहिए, पति पत्नी में संबंध किया, बेटा पिता में संबंध किया, बेटा बेटी में संबंध किया, उन्होंने सब कुछ उसी मनुस्मृति में सब कुछ लिख कर गए। सारे धर्म को उन्होंने ये मनुस्मृति में लिखे हैं। इसलिए अगर हो सके आप लोग मनुस्मृति को जरूर पढ़ना, उसमें सारे धर्म कर्म इंसान की
बहुत अच्छी तरह से वहां पर विश्लेषण करके बताई। यहाँ पर कथा आती है श्री देवहूति की। अभी देवहूति को साथ में श्री कर्दम ऋषि की शादी हुई। कर्दम ऋषि जब भगवान को तपस्या की थी, ठाकुर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए, बोले बताओ क्या चाहिए, बोले प्रभु आपकी चरण में हमें भक्ति दो। बोले तथा से, बोले और क्या मांगो, बोले प्रभु आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम कैसे बढ़े, आपका इच्छा को मैं पूरी करूंगा, लेकिन मेरे दो शर्त। बोले बताओ, बोले पहला शर्त है आप अगर मेरे बेटे बन करके आओगे ना तो शादी करूंगा, आप अगर बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। बोले ठीक है मैं तेरे बेटा बनूंगा। बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक ये गृहस्थ में रहूंगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए, फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, उन्होंने उनको तथास्तु बोल दिए। अभी इनकी शादी हो गई, शादी को बाद में फिर श्री कर्दम ऋषि भजन में बैठे गए। जब भजन में बैठे बोले कितना साल, बोले 10,000 साल तक। फिर माता देवती अपना पत्नी धर्म को जागरण करते हुए उन्होंने अपना पति की बड़ी सेवा की। जब 10,000 साल के बाद इनकी आंख खोली, देखा सामने एक टोकरी बैठी, सामने एक बुढ़िया बैठी हुई, लेकिन वो उन्होंने भूल गए मैंने कभी शादी की थी। बोले तू कौन हो, बोले आप भूल गए हो शादी कभी किया था आपने, बोले ओहो तू वही देवती, कहती आकृति देवती प्रसूति ये तीनों कन्या इतने सुंदर थी, जब ये तीनों आंगन में खेलती थी देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो जाते थे, मतलब ये इतने सुंदर थी, लेकिन पति की सेवा करते करते उसने एकदम वृद्धा हो गई, जटाजुट हो गई उसकी। इतने में कर्दम ऋषि बोले, बोलो वर मांगो क्या चाहते हो। बोले शादी क्यों किए थे, भगवान से प्रार्थना की थी ना, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। बोले भगवान बेटे में बन करके आएंगे हैं, देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ये स्त्रियों के लिए एक धर्म शिक्षा है। ये माता देवहूति की पूरा केस में जटाजुट हो गई। बोले क्यों जटाजुट हो गई, कारण क्या, बोले कारण है पति भजन में बैठे, जब पति भजन में बैठे फिर वो श्रृंगार किसके लिए करे। इसलिए आप बड़े बूढ़ों को थोड़ा पूछो, पहले माताएं कोई सवेरे श्रृंगार नहीं करती थी, करती थी शाम को। मैंने जो देखा अपनी माता को, बोले क्यों, बोले पति तो काम में चले जाते हैं, जब चले जाते हैं फिर माताएं श्रृंगार करके किसको दिखाएगी, इसलिए पति शाम को आएगा काम से, है शाम को आएगा, इसलिए माताएं शाम को मैंने देखा माताएं श्रृंगार करती हैं। बोले क्यों, बोले श्रृंगार दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, केवल पति को दिखाने के लिए। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, माताएं जो सर को पर कपड़ा क्यों करते हैं, बताओ क्यों करते हैं, हमारी सुंदरता केवल पति के लिए, हमारी सुंदरता और किसके लिए नहीं। इसलिए माताएं क्या करती हैं, सर को पर में ये कपड़ा करती हैं, ये नियम है। इसलिए हमें और विश्व सुंदरता नहीं दिखानी, नहीं दिखानी। इसलिए हमारे जो प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, वृंदावन कौन कौन गए हो आप, वृंदावन में एक इस्कॉन मंदिर, आप एक इस्कॉन मंदिर भी जाना, आप देखना वहाँ अंग्रेजी लड़कियां हैं, आप किसी अंग्रेजी लड़की को कभी भी सर के ऊपर ऐसे नहीं देखो कपड़ा नहीं। इन्होंने अंग्रेजी लोगों को भी संस्कार डाले, सबके सब सर के ऊपर में कपड़ा दो। इसलिए जितने कृष्ण की सखियां को देखो सर के ऊपर में कपड़ा दी। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है केवल अपना श्रृंगार पति के लिए, दूसरे के लिए अपना श्रृंगार नहीं है। इसलिए अभी हमारे भारत में, अभी रसिया में एक बात सुनो, रसिया में वहां पर जो लड़कियां हैं ना वो सरकार से लड़ रहे हैं। बोले क्यों लड़ रहे हैं, कहते हम साड़ी पहन करके हम कॉलेज में क्यों नहीं जाए, वो लड़ रहे हैं सरकार के साथ में, हमें ये आदेश दो, क्योंकि वहां पर अभी हमारे जो प्रचार बहुत है, बहुत प्रचार है, वो लड़कियां सरकार से लड़ रहे हैं
हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज में नहीं जाते, लेकिन भारत में लड़कियां लड़ रही हैं हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज में। देखो ये चीज मैं समझने का चीज है, अभी हमारी शिक्षा को विदेशी लोग ले रहे हैं और विदेशी शिक्षा को हमारे भारत लोग ले रहे हैं। वो सोचते हैं शायद हम विदेशी जैसे खान पान और रहन सहन से शायद हमें ज्यादा सुखी हो जाएंगे। बोले नहीं, हम लोग वृंदावन में रहते ही हमारे बड़े गुरु जी के कुछ शिष्य लोग कुछ अमेरिका कोई फ्रांस कोई जर्मन रशिया से, इनका जो वीजा खत्म हो जाती है वो इतने दुखी होते हैं हमें ये वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं भैया हमें ठाकुर जी वृंदावन में क्यों जन्म नहीं दिया, ये अमेरिका में और फ्रांस रशिया में क्यों ठाकुर जी हमें जन्म दिया, क्यों हमें ये भारत में जन्म क्यों नहीं दिया। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो जो भारतीय जो लड़की है ना इनको किसी तरह से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वीजा बन जाए, भारतीय वीजा बन जाए और हम भारत में रहे और भगवान की भक्ति करें और भजन करें। लेकिन हमारे देश का लोग बोले नहीं, शायद अमेरिका जा करके ना हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे और पैसा कमा करके शायद ज्यादा सुखी हो जाएंगे। भैया अगर ज्यादा पैसा से सुखी होते हैं ना फिर तो रावण सबसे ज्यादा सुखी हो जाता, क्योंकि जिसकी सोने की लंका थी वही सबसे ज्यादा सुखी हो जाता है। लेकिन रावण जैसे व्यक्ति सोने की लंका में भी उसको चैन नहीं पड़ता था, उसी में भी वो बेचैन रहता था, सामने किधर आ सामने जा, इसलिए वो बेचैन रहता था। सुखी तभी बनेंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को प्रेम करेंगे, तभी जीवन में हम सुखी रह सकते हैं। ठीक है ना, सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, उधरम का लाइट चला दो, उस तरफ की राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्ण, देखो कुछ पीछे भक्त लोग में बैठ नहीं पा रहे इस तरह ना, हरे कृष्ण इस तरह जो भाई लोग रहे थोड़ी सी धीरे धीरे इधर आ जाओ, थोड़ी सी इधर आ जाओ, मेरा भजन की नहीं तुम्हारे साथ भजन की, धीरे धीरे थोड़ी इस तरह में आ जाओ। और जो माता है ना भैया लोग और क्या पिछला इधर चले आप, इधर यहाँ पर जगह ही जगह है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने, ये जान जाने और पास प्राप्त श्री राधे राधे। राधे राधे रटते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम रट जाए। आइए वृंदावन को पहुंच जाएंगे। अच्छा कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे जाते हमारे, ये पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। अरे वृंदावन वृंदावन जाना है कि नहीं, सभी को कुछ देर बाद तो जाना ही जाना है, क्योंकि आज रसगुल्ले की कथा है थोड़ी देर में और सभी को नाचना है उस समय। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते भाई वृंदावन चल रहे। अरे मेरे उठे के रह के वृंदावन जाओ के
समझनी चाहिए इनकी शादी की उम्र हो गई,
इसलिए इनकी जल्दी से जल्दी शादी दो हैं। इसलिए पहले हमारा भारत में भी बाल विवाह होता था। भारत में बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो जाए और थोड़ी सी लिखी पढ़ी हो जाए, केवल गीता पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, घर से थोड़ी सी हिसाब किताब लिख जाए ना, जल्दी जल्दी शादी कर देते थे, उनको जल्दी जल्दी विदाई दे देती थी है। इसलिए तभी भारत में ये डाइवोर्स फाइवोर्स नहीं होती थी और तभी ये सती तो बन करके सबके सब रहती थी है। लेकिन अभी हम कहते नहीं, ज्यादा लिखाई पढ़ाई होनी चाहिए है। आप देखना जितने ज्यादा लिखाई पढ़ाई हो रही है उतना ही अनर्थ हो रहा है। पहले के हमारी जो संस्कृति थी ना, वो संस्कृति अच्छी संस्कृति है, ये हमारी अच्छी संस्कृति है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए अभी कर्तव्य है पहले बेटियों को पहले शादी दिला दो। एक समय ब्रह्मा जी 9 बेटियों को साथ में श्री कर्दम ऋषि के घर में आए, देखा 9 बेटे और 9 बेटी, बोले जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, बोले शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी शीघ्र कर दो। एक साथ में 9 बेटियों को उन्होंने शादी करवा दिया, पूरा घर खाली हो गया, घर खाली हो गए। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर आपकी हृदय में भक्ति करने की सचमुच से भावना है, ठाकुर जी सब कुछ कर लेते हैं। कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरी नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, हैं? आप लोग नरसिंह भक्त का नाम सुने होंगे, ये दिन भर भगवान के भजन करता था। अभी इनके घर में एक बेटी, अभी बेटी की शादी कैसे होगा, स्वयं बांके बिहारी सांवरिया सेठ बन करके आते हैं और इतने धूमधाम से शादी किया, बोले करोड़पति भी ऐसे शादी नहीं करवा सकते हैं, ऐसे उन्होंने उनकी शादी कैसे करवाई। इसलिए ना बेटे सबके सब घर से चले, हरी किया चुपचाप बैठो, कल बताया ना बैठे, एकदम इधर बैठो, चुपचाप इधर मेरी तरफ बैठो। इसलिए अभी 9 बेटी चले गए, अभी घर में 3 व्यक्ति रह गए, पिता माता और बेटा रह गया। अभी श्री कर्दम ऋषि संन्यास लेकर के चले गए। देखो यहाँ प्रश्न होता है, बोले भैया भजन के लिए क्यों जा रहे हो, बोले भगवान मिले, बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे, भगवान कपिल देव बेटे बन करके आए ना, फिर तू भजन करने के लिए किस कहाँ जा रहे हो। यहाँ एक अच्छी शिक्षा दिया है, शिक्षा है जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम साधन नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमें नहीं मिल सकते। इसलिए हमें साधन की जरूरत है, साधन के बगैर प्रेम नहीं, अब प्रेम के बगैर भगवान नहीं मिलेंगे हैं। इसलिए भगवान घर में रहते हुए भजन के लिए जा रहे हैं। उदाहरण देकर समझाए, अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, अगर भगवान हमें मिल भी गए, बोले तुम्हारी कोई लाभ होने वाले नहीं। उदाहरण दिया, आप बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं, बताओ बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं, बताओ देखा, लेकिन उसको कोई लाभ हुआ, माँ सीता को ही उठा करके ले गया और भगवान को साथ में जिंदगी भर बैठ के लिए, ये मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं, देखा, लेकिन उसने क्या किया, भगवान लक्ष्मण को शक्ति से प्रहार किया, राम लक्ष्मण को नाग फांस बंधन में उन्होंने बांध दिए, शिशुपाल देखा कि नहीं, देखा, कृष्ण सामने खड़े हुए, गाली को ऊपर गाली, 101 गाली ठाकुर को निकालता, तो इसका मन परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, हमारा लक्ष्य भगवान नहीं है, हमारी लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम हमारी लक्ष्य है। अगर तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रति प्रेम होगा ना, इसलिए प्रेम का 2 लक्षण बताया, एक लक्षण है सांतर नांदा विशेष आत्मा श्री कृष्ण कर संचसा, तात्पर्य है जैसे दूध को गर्म करते करते जैसे राबड़ी बन जाती है, जब हृदय में प्रेम आएगी इतने आनंद में प्राप्ति होगी। दूसरा है श्री कृष्ण कर संचसा, जैसे फूल खिलने पर भौंरा जैसे अपने आप आकर के फूल को ऊपर बैठ करके जैसे मधुओं को आहरण करता है, कहते उसी तरह
जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा, आपको भगवान को पास में जाने का नहीं, भगवान आपको पास जाने। इसलिए गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाती थी, कृष्ण गोपियों के घर में मक्खन चोरी चोरी कर खाते थे। ये कृष्ण आते थे बोले क्यों, बोले इनके अंदर में ठाकुर जी का प्रति प्रेम था, इसलिए प्रेम ही मूल है। अभी पिताजी चले गए भजन के लिए, घर में दो व्यक्ति माँ और बेटा, लेकिन माँ को पता है ये बेटा मेरा भगवान। एक दिन माँ अपना बेटे को पास में आकर के हाथ जोड़ करके प्रश्न करती है, बोले बेटा मैं स्त्री आती हूँ, मन बड़ा चंचल है, कभी बेटी के पास में, कभी बेटा को पास में, कभी पति को पास में, कभी पियर में, कभी ससुर घर में, मेरा मन ऐसे भटकती रहती है, ये चंचल मन का हम काबू कैसे करे और ये मन भगवान के चरण में कैसे करे। तब भगवान अपना माँ को निमित्त करते हुए उन्होंने दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान किया है, बोले माँ ये जो मन है ना ये सब कुछ है, इसलिए हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, लेकिन इसका राजा कौन, बोले मन। मन ने कहा देखो भागवत कथा हो रही है, चलो भागवत कथा सुनने चलते हैं। देखना सारी इंद्रियां आकर यहीं पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं। अगर ये मन कहता है क्या जरूरत भागवत कथा, टीवी बोल कर बैठ जाओ ना, है आज कोई सीरियल आएगा, चलो घूमने के लिए और कहीं जाए, फिर क्या होता, ये सारी इंद्रियां वहीं घूमने के लिए चले जाते, यहाँ नहीं आते। इसलिए माँ ये जो मन है यही सब कुछ, इसलिए हमारे जो गुरु जी के गुरु जी थे प्रभुपाद, वो कहते थे सवेरे उठो और उठ करके अपना जूती लो और अपना मन को 100 बार भिड़ाई लो। वो संत कहते सब बार ये मन को मारो, बोले क्यों, आप देखना ये जो मन है ना वो गंदी चीज में तो स्वाभाविक रूप में जाती है, लेकिन जब इसको बोलो थोड़ा माला जप करो, थोड़ा गीता रामायण भागवत पढ़ो, ये मन सहज में भजन में नहीं लगता, लेकिन गंदी चीज में अपनी आप ये मन चल जाती है। इसलिए वो संत कहते थे सवेरे उठो अपना जूती लो और ये मन को सवार पिटो, मतलब ये मन को समझाओ बेटा, आज दिन भर ठाकुर को याद करना, भगवान के नाम जप करना, गंदी चीजों में मन नहीं लगाना, इसलिए बोले ये मन को प्रभु की चरण में दो। बोले बेटा तुम तो सहज में बता दिया ये मन को प्रभु की चरण में दो, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है कैसे तरह भजन करो, लेकिन ये मन तो बड़ा चंचल है। कृष्ण ये अर्जुन द्वापर युग में कृष्ण को कह रहे हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रमाद बलवत देगा, कहते वायु को हम रोक सकते हैं लेकिन ये मन को नहीं रोक सकते हैं, ये चंचल मन को कैसे हम मन को रोके। बोले माँ इसका एक सरल उपाय है, बोले संत के संग लागी रहते ही अच्छी बनेगी माँ, संतों को साथ में ये मन को प्रभु की कथा में लगा दो, इसलिए संतों का संग करोगे तो बोले सतांग प्रसंगात मम बीज संबिलो भवंती रीतिका रसायन कथा ताजोस्तन आजो अपवर्ग पद्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिशति। बोले जब तुम संतों का संग में ये मन लगाओगे, मेरी कथा सुनते 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 ये मन अपने आप प्रभु की भजन में लग जाएगा। आप देखना जिसकी कथा सुनोगे ना उसी में ही मन लग जाती है, इसलिए ये कथा सुनते सुनते किया होगा। बोले अ प वर्ग वर्तमान, यदि जो प वर्ग है ये तुम्हारी नाश हो जाएगा। बोले प वर्ग क्या है, बोले प फ ब भ और म, ये प वर्ग कहते हैं हिंदी में है ना, कचड़ था खचड़ था गजड़ था, उसमें प वर्ग में प फ ब भ म, ये प वर्ग। प मतलब परिश्रम, बोले फ मतलब खेल, बोले ब मतलब व्यर्थता, भ भय, म और मृत्यु। कहते अगर तू संतों का संग करोगे ना, ये जो पांच जो पांच जो प वर्ग ये तुम्हारी प वर्ग तुम्हारी भिन्न हो जाएगी, प वर्ग समाप्त हो जाएगी। प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेण, ब मतलब व्यर्थता। लेकिन जब तुम संतों का संग करोगे, जैसे संसार में हम बहुत परिश्रम करते हैं, देखना सवेरे से लेकर शाम तक हम परिश्रम करते हैं संसार में,
लेकिन माँ अगर तुम संतों का संग करोगे ना, तुम्हारी ये परिश्रम सार्थक हो जाएगा। बोले क्यों? अभी हम परिश्रम किसके लिए कर रहे हैं? संसार के लिए करते हैं। लेकिन जब संतों का संग करोगे ना, तो कहते हैं एक विषयी लोग को देखो, वो भी सारा दिन काम करता है। एक भक्तों को देखो, वो भी सारा दिन काम करता है। दोनों ही सारा दिन काम करते हैं। लेकिन अगर विचार करके देखोगे, आकाश जमीन फर्क है। बोले कैसे? बोले जो एक विषयी व्यक्ति जो परिश्रम करता है, वो किसके लिए करता है? बोले दुनिया के लिए। बोले पैसा क्यों कमा रहे? बोले मैं कमाऊंगा। बोले बीवी किसके? बोले मेरी। बच्चे किसके? बोले मेरे। बोले बिजनेस किसके? बोले मेरा ही। लेकिन एक भक्त को पूछो, भैया क्यों पैसा कमाते हो? बोले ठाकुर की सेवा के लिए। बोले बच्चे किसके? बोले ठाकुर ने बच्चे दिया है। बोले घर किसका? बोले भगवान ने, ठाकुर का दरबार है, ठाकुर की दरबार है। खाना क्यों बनाते हो? बोले भगवान को भोग लगेगा, भगवान जी को भोग लगेगा। बोले ये श्रृंगार क्यों कर रहे हो? बोले गंदे शरीर से हम कैसे ठाकुर को सेवा करेंगे? स्नान करेंगे, अच्छे कपड़े पहन करके, तभी तो हम ठाकुर को सेवा करेंगे। लेकिन जब हम संतों की सेवा करेंगे ना, बोले तुम्हारी ये जितने परिश्रम है, सारे परिश्रम तुम्हारी सार्थकता हो जाएगी, सारे परिश्रम सार्थकता हो जाएगी। हाँ देखो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बढ़िया उदाहरण देकर समझाए। इतना चीज आप अपना दिमाग में बैठा दो। वो कहते हैं राम नाम की अंक है सब साधन के सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझो। जैसे एक रखो ए बच्चे के बच्चों मतलब उसको, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है। जैसे एक रखो, एक रख करके सीधा हाथ में एक जीरो दो, आप बताओ कितना होगा? बताओ कौन बोलेगा कितना होगा? एक रख करके एक सुन्ना सीधा हाथ में दो, कितना होगा? दस होगा। और एक जीरो दो, कितना होगा? सौ होगा। पहले था एक, लेकिन एक रख करके जब उसने एक जीरो दे दिया ना, वो हो गया दस, झट दस गुण हो गया, था दस। लेकिन जब केवल एक जीरो दे दिया, वो जो दस है वो झट हो गया सौ। और एक जीरो दो, कितना हो जाएगा? हजार। था पहले सौ, लेकिन देखना एक एक जीरो देने पर वो दस 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 गुण बढ़ रहा है। अभी कहते ये एक को अभी हटा दो, हटा करके एक शून्य दो, कितना होगा बताओ? और एक जीरो दो, कितना होगा? और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, देखना कि सबके सब जीरो ही जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वैल्यू किसकी है? एक की। कहते वो एक किया है, बोले भगवान की भक्ति। बोले ये जीरो किया, बोले ये संसार जीरो ही है, संसार जीरो ही है। क्योंकि ये संसार कैसे जीरो? जैसे आप किसी घूमने के लिए कहीं गए, किसी धर्मशाला में रुके हो, देखना सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बोले भैया कहाँ से आए हो? बोले कलकत्ता से। बोले तुम कहाँ से आए? बोले बम्बे से। बोले तुम कहाँ से आए? मद्रास से। रात में तो बैठ करके वहीं पर गप्पा मारी, लेकिन सवेरे होते ही सबके सब चले गए, सवेरे होते चले गए। ये संसार ठीक वैसे है। बोले तुम कौन? बोले बीबी मेरे। बोले तुम कौन? बोले हम बेटे हैं। बोले तुम कौन? बोले पति। बोले गप्पे मार रहे हैं, कुछ नहीं है। जिसका समय आएगा उसको उतरना ही पड़ेगा, एक मिनट भी आप रह नहीं सकते यहाँ पर। पिता माता रहते रहते बच्चे का समय आ गया तो उसको वहीं उतरना पड़ेगा, वो रह ही नहीं सकता वहां पर। इसलिए ये संसार जीरो है, लेकिन ये जीरो भी हीरो हो जाएगा, ये जीरो भी हीरो हो जाएगा। बोले कब हीरो हो जाएगा? बोले जब एक को साथ में जुड़ जाएगी, तभी ये जीरो हीरो हो जाएगी। बोले एक क्या है? बोले भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। अगर हर चीज को हम भगवान की भक्ति को साथ में जोड़ देना, बस धन्य है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान, बोले माँ अगर संतों की संग करोगे, अपने आप नहीं कर सकते हो ये चीज को, करोड़ों चेष्टा करोगे तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जब किसी भक्त को साथ में जुड़ोगे, ये भाव आपको भक्त प्रदान करेंगे, अपने आप नहीं कर सकते हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। इसलिए सत्संग के बगैर नहीं कर सकते। इसलिए बोले आप
इसलिए पा फा बा बोले भा, बोले भा मतलब बोले भाई है। कितना सारा दुनिया भाई करते हैं, बोले क्यों मर नहीं जाए, कोई चीज हमारी छूट नहीं जाए, हमसे कोई चीज अलग नहीं हो जाए, डर भय। लेकिन जब संतों का संग करोगे तुम्हारी कोई डर भय नहीं रहेगी। बोले माँ, बोले माँ मतलब होता है मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। बोले भैया क्या संत लोग मरते नहीं, हम भी मरते हैं, संत भी मरते हैं। तब एक सुंदर उदाहरण दिया, आप लोगों ने बिल्ली देखे हो, कौन कौन बिल्ली देखे हो, आप लोग बिल्ली देखे हो, एक उदाहरण देकर समझा। बोले देखना जब बिल्ली अपना चूहे को पकड़ती है क्या करती है, उसको प्राण ले जाती है, और एक मुंह में चूहे को भी पकड़ती है और एक मुंह से अपना बच्चे को भी पकड़ता है। लेकिन जब मुंह देती है, लेकिन जब वो चूहे को पकड़ता है उसका प्राण ले लेती है, लेकिन उसी मुंह में जब बच्चे को पकड़ती है वो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, मेरी भैया मेरे को गोद में लिया है, मेरे भैया मेरे को पकड़ के रखे। तो उसी तरह ये जो काल है एक भक्त को भी लेता है और एक विषयी व्यक्ति को भी ग्रहण करता है, हैं? लेकिन जब भक्त के लिए काल आता है उनके लिए स्वागत करते हुए उनको ठाकुर जी को धाम में ले जाता है, लेकिन जब काल जो विषयी व्यक्ति को भक्ति नहीं करने वाले जब व्यक्ति को पकड़ता है फिर तो बड़ा कष्ट देकर उसको ले जाता है, वो बिलबिलाते हुए इस संसार से जाता है। इसलिए भगवान कहते माँ संतों का संग करो, भगवान की कथा सुना, इससे ही तुम्हारी कल्याण है, इससे ही मंगल है। बोले माँ, तो उन्होंने बोले, बोले माँ गर्भ में जब बच्चे को 7 महीना हो जाए वो बच्चे को सारे पूर्व जन्म की बात याद आता है, 1000 जन्म की बात याद आता है। अभी बच्चा दिखता है, बोले माँ गर्भ में आना और नरक में आना बराबर है, क्योंकि गर्भ में टाटी पेशाब खून पीठ से भरा भरा हुआ है, सर नीचा टांग ऊंचा रहता है, और गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं को चटपटी चीज भी अच्छी लगती है, मिर्च मसाला खट्टा सब चीज खाती है, हैं? वो बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, बच्चे को कीड़े भी काटते रहते हैं। कोई बच्चा तो गर्भ में ही अपना शरीर को गर्भ में ही त्याग दे देती है, लेकिन 7 महीना होने पर फिर भगवान को स्मरण करता है, बोले प्रभु मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पाप किया है जो कि ये मैया के पेट में मेरे को आना पड़ा, प्रभु मेरे को जल्दी से जल्दी ये नरक से निकालो। भगवान कहते हैं बताओ अभी क्या करोगे। बोले प्रभु मैं समझ गया हूँ कि संसार में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि सुख का समय तो सारा दुनिया मेरे साथ में थे, लेकिन जब कर्म का फल भोग कर रहा हूँ वो पति कहाँ, वो पत्नी कहाँ, वो बच्चे कहाँ, कौन कहाँ है, वो सारे कर्मों का फल मेरे अकेला लेना पड़ रहा है, इसलिए जगत में कोई किसी का नहीं। भगवान कहते बताओ अभी तुम क्या करोगे। बोले प्रभु केवल एक बार गर्भ से मेरे को निकाल दो, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी ये झूठे संसार में फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते तेरा नाम लूंगा, भजन करूंगा। बोले सही बता रहे हो ना गलत कह रहे। बोले प्रभु एकदम सही बता रहा हूँ। भगवान ने कहा देखो अगर कभी कभी भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वारने के भी दूंगा। बोले क्या दोगे। बोले जब एक बाल पक जाए मेरे फर्स्ट बार में, आप लोग देखना ध्यान लगा करके देखना, जब बाल पकता है ना यहीं से ये कान को पास में सभी को देखना, यहीं से सबसे पहले बाल यहीं से शुरू पकना शुरू होता है, लेकिन हम जब एक बाल को देखते हैं पक गया ना उसको उखाड़ देते हैं। बोले हम इतना जल्दी बूढ़ा बना रहे हैं, हम कुछ नहीं हुए, फिर दूसरी बाल पक जाए उसका भी उखाड़ देते हैं, लेकिन जब खिचड़ी बन जाए फिर कलर लगा देते हैं, मेहंदी लगाते करके फिर केस को काला बना देते। बोले थोड़ी अभी कुछ हुआ, कुछ नहीं। भगवान कहते तेरे को फिर दूसरा बार नहीं सुनगा। बोले क्या दोगे। बोले आंखों में देखना कम हो जाए, फिर बढ़िया चश्मा लगा देते हैं, हीरो बनकर घूमते हैं, कुछ नहीं हुआ। बोले तेरे को हम तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे। बोले जो खिलखिला करके हंस रहे हो ना और एक एक करके दांत तोड़ना मैं शुरू करूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में जहां तेरे को फिर 32 दांत लगा लेते हैं, फिर खिलखिला करके हंसते हैं। भगवान कहते फिर तुमको चौथा वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या दोगे। बोले 2 प्यार से ना तुम्हारी 3 प्यार हो जाएगा, फिर तुम्हें डंडा पलटना पड़ेगा, ये कमर तोड़ दूंगा।
लेकिन फिर हम लठिया ले लेते हैं, तब अभी भी हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते हैं फिर तुमको हम भीम की आर्मी नहीं दूंगा, फिर तो राम नाम सत्य कर दूंगा, राम नाम सत्य कर दूंगा। देखो हमारे गुरु जी कहते थे जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको जब अर्थी में ले जाते हैं उसको तो लेटा देते हैं, लेकिन उसको हाथ पैर को बांध देते हैं, लेकिन उसका जो सर तकिया को में रहता है ये सर को नहीं बांधते हैं। और चार व्यक्ति जब ले जाते हैं क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कई बार झूठा है। मतलब क्या, बोले बेटा जीवन में तुमने जितने राम का नाम लिए हो, जितने तुमने कृष्ण का नाम लिए हो, तुम्हारी साथ में वो ही जा रहा है। और तुमने जो कुछ किया है तुमने झूठे में बिताया, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा। इसलिए वो मरे व्यक्ति को बोलते हैं राम नाम सत्य है, मतलब जिंदगी भर तो बोला नहीं राम नाम, भैया अंतिम समय में अभी तो तेरा राम का नाम ले, अभी तेरा कृष्ण का नाम ले, देखना उसका सर रहता है तकिया में, अब लख्या करके देखना उसका सिर हिलता है, ऐसे ऐसे होता है। बोले अभी तो नहीं, बोले नहीं अभी भी नहीं लूंगा, बोले अभी भी नाम नहीं लूंगा, राम का नाम कृष्ण का नाम, बोले अभी भी नहीं लोगे, चलो तेरे को दिखाते हैं। अभी चीता सजाते हैं, चीता सजा कर उसको लेटा देते हैं, लेटा करके बोले अभी तो राम नाम ले ले, अरे अभी तो कृष्ण का नाम ले, बोले नहीं लोगे ना, फिर क्या करते हैं उसको बुखार गिर देते हैं, उसको मुंह में आग देते हैं, जाने तो मुख में क्यों आग देते हैं। कहते जिस मुंह तेरे को भगवान ने दिया, जिस मुंह से तुम राम का नाम कृष्ण नाम ले सकता था, लेकिन तुमने इसी मुंह से प्रभु का नाम नहीं लिया, इसलिए तेरे मुंह में आग, ये गंदी चीज, इसलिए उसी मुंह में आग। लेकिन जो संत हैं हमारे जो भक्ति जगत में, अग्नि को मुंह में नहीं देते हैं, अग्नि को उसका चरण में देते हैं। बोले क्यों, बोले जिसने भगवान के नाम लिया जिंदगी भर इसी मुंह में, अग्नि एक देवता है, अग्नि एक देवता है, बोले अग्नि भी तुम्हारी चरण की पूजा करता है, इसलिए संतों के मुंह में अग्नि नहीं देते हैं। अग्नि कहाँ देते हैं, उनकी चरण में देते हैं, अग्नि तुम्हारे चरण को पूजा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग याद रखो जो व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं ना, कभी भी उसकी मुंह में अग्नि मत देना, ये चीज को अच्छी तरह से स्मरण रखो। अग्नि कहाँ दोगे, उनकी चरण में देनी चाहिए, मुंह में नहीं देनी चाहिए, हैं? इसलिए ये भगवान अपना माँ को ये सारी बात बताते हैं। इसको बाद में फिर क्या होता है, मरने का बाद वो व्यक्ति कहाँ जाता है, कहते माँ गर्म रेतियों को ऊपर में उसको घिसड़ते घिसड़ते ले जाते हैं, और कुत्ते और सियाल नोच नोच कर खाते हैं, फिर उसको एक बैतरणी नदी पार होना पड़ता है। आप लोग गरुड़ पुराण सुनते होंगे मरने का बाद, उसमें ये सारी चीज वर्णन आती है, उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है। वो नदी किस चीज में बनी हुई, बोले टाटी पेशाब खून पीक से वो नदी बनी हुई थी। हम लोग 13 दिन को बाद में फिर शुद्ध होते हैं ना, बोले 13 दिन बाद में शुद्ध क्यों होते हैं, बोले वो बैतरणी नदी पार करने के लिए उसको 13 दिन लग जाते हैं, इसलिए 13 दिन बाद में शुद्ध होते हैं, हाँ 13 दिन बाद में हम शुद्ध होते हैं। इसलिए आप लोग तो सुने होंगे कोई कोई कहते भैया इसका नाम पर गैया दान दे दो, क्योंकि ये गैया की पूंछ पकड़ करके जल्दी जल्दी इसकी उधार हो जाए, इसलिए गैया दान देते हैं। देखो जब उसको बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, ऊपर से कोड़े पड़ती हैं, मार मार करके उसको पार करना पड़ता है। भगवान कहते हैं माँ इसको किसको ये नदी पार करना पड़ता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनकी गले में तुलसी की कंठी नहीं हो, तिलक नहीं हो, जो हरिनाम नहीं करते हैं, उनको माँ पार करना पड़ता है। लेकिन जिनकी गले में तुलसी की कंठी हो, तिलक हो, भजन करते हैं, बोले माँ उनको तो जब दूर से प्रणाम करते हैं, हैं? उसको जमदूत नहीं ले जाते हैं, इनको विष्णु दूत इनको वैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए हे माँ भले ही शूद्र जाति में क्यों नहीं हो, सुपर चंडाल कुल में क्यों नहीं हो, अगर भगवान की नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है, बोले माँ वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म नहीं हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, सबके सब बेकार है।
इसलिए माँ के जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम जप करनी चाहिए। अब लोग सबके सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रावण को सोने की लंका दी, बहुत बड़ा राज्य दिया,
बहुत विश्व सुंदरी उनकी पत्नी मंदोदरी उनको दिया और सारे देवता रावण के वशीभूत हुए और उनको प्रणाम करने आते थे। हिरण्यकश्यप को भी ऐसे प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा राज्य। हम लोग अगर थोड़ा सा धन हमारे ऊपर आ जाए, मतलब हमारे पास करोड़पति बन जाए, कुछ तो हमें कोई जरूरत नहीं भगवान की कथा में जाने की या संतों की सेवा करने की। परंतु यहाँ दिखा रहे बड़े बड़े जो राजा हुए, महाराजा हुए और बड़े बड़े राक्षस भी हुए, उनके पास जितना धन था उतना हमारे पास नहीं हो सकता। मैं बताया था ना पिछली बार यही कथा की थी जन्माष्टमी को, रावण के पास क्या थी, सोने की लंका। सोने की लंका का समझते हम, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हो सकता धनवानों को रावण के बराबर नहीं हो सकते, हो सकते सोने की लंका का मतलब समझते हैं किसी के पास एक किलो सोना, दो किलो सोना है, पांच किलो सोना है, दस किलो सोना हो सकता है। पर रावण की क्या थी, ये तो पिलर है ना, ये भी सोने का, ये भी सोने का, ये दीवार भी सोने की, छत भी सोने की। हो सकता है किसी का मकान बहुत अच्छा हो, टैल लगा रखी हो, बहुत अच्छा हो, फर्श भी अच्छा हो, पर सोने का कोई नहीं लगाता। लगाते कोई सोने की टैल, सोने की पीओपी, सोने का पंखा कोई लगाते हैं? पर रावण के पास ही सब चीज था। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या होगा, एक तोले का चैन पहनेंगे, दो तोले की या पांच अंगूठी पहन लेंगे एक तोले की, इतना हो सकता है ज्यादा। हो सकता है एक ही टोपी सोने की बस। पर रावण के पास सोने की लंका, सोने की दीवार भी सोने की, सब कुछ सोने का और बहुत पैसे वाले, परंतु सुखी नहीं हो पाए, सुखी नहीं पाए। यदि हम लोग कोई सोचेगा धन लेकर सुखी हो जाएंगे तो वो हम नहीं हो सकते। दूसरा मानो कि हम शादी करके सुखी हो जाएंगे तो वो भी आपने देखा कि रावण की भी पत्नी क्या बड़ी सुंदरी थी, और एक पत्नी नहीं दो पत्नी नहीं बहुत सारी उन्होंने शादी की, पर वो भी सुखी नहीं हो पाए। अब बोलो नाम यश से हो जाएंगे हम, मानो MLA का चुनाव लड़ लेंगे तो MLA बनाएंगे सुखी हो जाएंगे, या MP बन जाएंगे। हम कितने साल के लिए MLA बन सकते हैं, 5 साल के बाद, तो वो भी बड़ा मुश्किल है, दूसरी बार नंबर आए ना आए। पर ये क्या है, 60,000 साल तक हिरण्यकश्यप राजा बना। कितना राजा बना आप जानते हो, MLA का मतलब है एक छोटे से राज्य का। MLA विधायक होता है और पूरे भारत का नहीं होता वो, परंतु हिरण्यकश्यप जो थे वो पूरे राज्य के मालिक थे और हमेशा 60,000 साल राज्य मिला। 60,000 साल कोई भी ना MLA बन सकता, ना MP बन सकता, ना प्रधानमंत्री बन सकता, वो भी बदल जाते। तो कोई मानो ये भी बन गए तो सुखी हो जाएंगे, बोले कि नहीं, जैसे कि रावण हिरण्यकश्यप आदि लोग सुखी नहीं हो पाए। तो सुख किसे कहते हैं और मिलेगा कैसे, यही भागवत महाराज जी बता रहे हैं। सुख मिलेगा भगवान से प्रेम करने से, भगवान की भक्ति करने से और प्रेम करने से हम सुखी हो सकते हैं। भागवत में यही जगह जगह, भागवत में 12 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और इसमें 360 अध्याय हैं, 100 उदाहरण के द्वारा बताया भागवत में। कोई भी सतयुग ले लो, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, एक भी युग में कोई भी एक व्यक्ति भी भगवान के भजन के बिना एक व्यक्ति भी सुख नहीं हो पाया। कलयुग की तो बात छोड़ दो, त्रेता सतयुग और द्वापर और कलयुग और अनंत कोटि ऐसे बात कई बार आई, एक व्यक्ति भी भगवान के भजन के बिना सुखी नहीं हो पाया। यही भागवत उपदेश देती है, आप लोग क्या करो, भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रेम करो। अब आप लोग सोचोगे भगवान का भजन कैसे करें, हमारे पास समय नहीं है और भक्ति कितना कठिन काम है। देखो भक्ति कोई कठिन काम नहीं है, बड़ा ही आसान है, इससे आसान कोई काम नहीं है। भक्ति से आसान कोई काम नहीं है और भक्ति से कठिन कोई काम नहीं है। भक्ति कैसे आसान है, मैंने बताया था, महाराज जी भी कई बार बताते, एक किताब को एक हाथ से उठा के इधर में रख दो, बस होगी भक्ति। कितना आसान है, और भक्ति कितनी कठिन है, इतनी कठिन है, इतनी कठिन है कि आप लाखों जन्म भी करें तो भगवान नहीं मिलेगी। आसान कब है, यदि सदगुरु के पास चले गए, किसी गुरु के पास चले गए ना, सदगुरु होने चाहिए, तो भक्ति आपको बहुत ही आसानी तरह से भगवान की प्राप्ति करा देंगे। और अपनी मन मर्जी से यदि करे जाए तो लाखों जन्म लग जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि मानो गुरु किसे कहते हैं और सदगुरु के कहते हैं,
लक्षण है, बहुत सारे हमारे प्रभु लोगों ने बताए होंगे। सदगुरु क्या है? अभी लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है ना, लोग कहते जहाँ चमत्कार है वहीं नमस्कार है। मैं एक बार कहीं पे जा रहा था तो वहाँ हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति मुझे मिले, तो बोले, मैंने कहा भगवान का भजन करो। कह रहे भैया आप कहाँ चक्कर में फंस गए, भजन करो भजन करो, कलयुग में और कौन आजकल भजन करता है। तो कह रहे आप कहाँ मिले, मैंने कहा मैं वृंदावन में जाता हूँ, हमारे महाराज जी पूज्य पाद भक्ति विनोद नारायण मिश्र महाराज जी बहुत महान संत हैं और उन्होंने बहुत लोगों के जीवन को परिवर्तन कर दिया है। तो आप लोग भी वृंदावन कभी आओ, उनसे मिलो और भगवान की सेवा करना, वो भक्ति के बारे में बताते। तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु क्या पानी पे चल के दिखाते हैं, पानी पे चलते हैं? मैंने कहा पानी में तो चलते नहीं। कह रहा अच्छा आग पे चल के दिखा देंगे, आग पे चल के। तो बोले आग पे चल के, मैंने कहा आग पे भी नहीं चलते। तो कह रहे मैं आपको ऐसे संतों से मिलाऊंगा कि जो क्या करते हैं आग पे बैठ जाते हैं और जलते भी नहीं, और पानी पे चलते पानी पे चलते। तो कहीं भी शास्त्र में ये नहीं बताया कि जो लोग पानी पे चलते हैं या आग पे बैठ के चलते हैं वो सदगुरु है, नहीं। अभी बताया ना कपिल, भगवान अपनी माँ को बता रहे हैं संतों के लक्षण। हम क्या करते हैं जो चमत्कार को नमस्कार, फिर ठगे भी जाते हैं। इसलिए कहते हैं शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। सदगुरु के क्या लक्षण है? सदगुरु भगवान का भजन करते हैं और सद परंपरा में आते, वो परंपरा भगवान से आनी चाहिए। कृष्ण हैते चतुर्मुख, हरे कृष्ण सेवान्मुख, ब्रह्मा हैते नारदेरमति। कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद से व्यास जी, सुखदेव परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, सौनक आदि, विदुर आदि आदि, परंपरा ऐसे आनी चाहिए। यदि गुरु परंपरा से नहीं आए और ऐसे ही करोगे आप चमत्कार देखो तो ठगे जाओगे। जैसे कि आपने रावण का नाम सुना, रावण, रावण से ज्यादा चमत्कार कोई नहीं दिखा सकता। वो जब सीता को हरण करने के लिए गए पानी पे चलने की दरबार दूर, वो साधु का वेश बना के गए, साधु का, कभी हिरण का वेश बनाया फिर साधु का वेश बना के आए। और वो स्त्री का भी वेश बना सकते थे, पुरुष का भी, हिरण का भी, पानी पे भी चल सकते थे, आग में भी चल सकते थे, रावण में भी, बड़ी शक्ति थी। तो ये तो कपट गुरु भी कर सकते थे, छल कपट और चमत्कार जो दिखाना है रावण भी कर सकते हैं। और कालनेमी का नाम सुना, कालनेमी, कालनेमी जब हनुमान को ठगने के लिए गए तो क्या हुआ, साधु का वेश बना के जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हनुमान जी को ठग लिया उन्होंने। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे चमत्कार क्या दिखा सकते हैं, थोड़ी बहुत जिनपे सिद्धि होती है वो भी दिखा सकते हैं। पर जो सदगुरु होंगे वो क्या करेंगे, नारद जी की तरह कहते हैं भैया भगवान का भजन करो, भजन के बिना तुम लोग सुखी नहीं होंगे। नारद जी की तरह उपदेश दे सकते हैं और वो भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए सदगुरु के लक्षण क्या है, वो धीर होते हैं, वो स्थिर होते हैं, वो शांत होते हैं, वो भगवान का भजन करते हैं और वो सब जीवों के प्रति उनकी दया होती है। सबसे बड़ा लक्षण क्या है, कृष्ण की शरणागति, कृष्ण का भजन करने वाले होते हैं। यही अभी कपिल भगवान बता रहे थे। तो आप लोग भी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पर भागवत कथा सुन रहे हैं और ऐसी परंपरा में आए हैं जो कि भगवान से आई है। हमारी जो परंपरा है, महाराज जी भी किसी परंपरा में आए हैं, ब्रह्मा जी की, जो भगवान ने चार परंपरा को अथॉराइज बताया, चार परंपरा में जो कोई भगवान का भजन करेगा वो लोग ही भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे और कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। क्या, सबसे पहले ब्रह्मा जी, नंबर दो श्री लक्ष्मी को दिया उपदेश और नंबर तीन शिव जी को दिया, नंबर चार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चार कुमार। ये चार संप्रदाय बताए जिसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय। चार संप्रदायों में जो भजन करेगा वो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करेगा और यदि इधर उधर जाके भजन भी करेंगे तो थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, पर भगवान का ठीक उपदेश यथा रूप नहीं मिल पाएगा। जैसे कहते हैं ना इस्कॉन के एक भी गीता निकली है उसको बोलते हैं यथा रूप श्रीमद् भागवत गीता। यथा रूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि गीता को राजनीति पढ़ता है तो वो अपने हिसाब से सुनते हैं, कर्मी पढ़ते तो अपने हिसाब से सुनते हैं, और कोई युद्ध योद्धा आर्मी के लोग पढ़ते तो कहते गीता में उपदेश दिया लड़ाई करो, और जो कर्मी को लाला लोग बनिया लोग सुनते तो कहते क्या क्या गीता में, काम करो कर्म करो, और भक्त क्या थे भगवान ने कहा भक्ति करो। इसलिए गीता कहाँ सुननी चाहिए, गीता भी सदगुरु भगवान के पास भक्त शुद्ध भक्तों के मुख से सुननी चाहिए और भागवत भी तो के मुख से सुननी चाहिए, ठीक है ना।
अभी इतना ही आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, ये कथा सुन रहे हो। आप भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम करो, यही भागवत का सार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सुंदर। हरे कृष्ण। कहाँ गए तो बच्चे? कहाँ गए? अरे किधर आ जाओ। हरे कृष्ण। हमारे यहाँ पर और दो बच्चे हैं, वो आपको पाँच पाँच मिनट की कथा सुनाएंगे। हरे कृष्ण। हाँ देखो, ये लोग आए नोएडा से आए हैं। ये लोग ये ऐसे नहीं, ये लोग अपना नौकरी करते इंजीनियर हैं, ये कंप्यूटर इंजीनियर हैं, नौकरी भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। इसलिए हम बच्चों को खड़े करते हैं, हम लोगों के अंदर में उत्साह आए और आप भी अपना बच्चों को भी भक्ति की मार्ग पर चलाओ। आपका बच्चे भी भगवान की भक्ति करे, नौकरी करे, पैसा उपार्जन करे, पिता माता की सेवा करे और भगवान की भक्ति भी करे बच्चे। ओम ज्ञान तिमिरांगस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्री शेखर भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में नम पूरी रंगत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत में नित्य लीला प्रविष्णु कृष्णपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीपद भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का भय चरणारविंदम पूरी रंगत प्रणाम करता हूँ। तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन सीनियर वैष्णव सभी प्रभु के चरणों में मेरा यथाय। महाराज जी ने आज्ञा दी है थोड़ी देर कुछ कथा सुनाने के लिए, तो अभी तक जो भी कुछ सीखा उसमें से कुछ कुछ बताने के लिए। देखो एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, बोलो भगवान आप कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ रहते हैं? कोई कहता है कि आप योगियों के ध्यान में रहते हो, कोई कहता है कि ज्ञानियों के ध्यान में रहते हो, आप कहाँ रहते हो भगवान? देखो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर नारद जी को दिया। भगवान ने बोला कि नारद मैं कहाँ रहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान ने बोला ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेनवे मद्भक्तायत्र गायन्ति तत्र तेषामि नारदम्। हे नारद, मैं कभी कभी योगियों के हृदय में मैं नहीं रहता हूँ। योगी जो मेरे को ध्यान लगा के बैठ रहते हैं, जो ज्ञानी बड़े ज्ञान से मुझे प्राप्त करने, उनके मैं ज्ञान में भी नहीं रहता हूँ। मैं योगियों के हृदय को भी लांग जाता हूँ, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ बताया? मद्भक्तायत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त बैठ के साथ लोग सब बैठे, भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा, भगवान की कथा हो रही। जब भगवान का नाम का कीर्तन और भगवान की कथा होती है, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पर रहता हूँ। कभी भगवान की कथा और भगवान का नाम हो रहा, इसका मतलब भगवान यहीं पर है, इधर ही है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ बैठने का, कथा सुनने का हमें भी अवसर मिला। देखो जगत में बहुत सारे धर्म है, देश धर्म है, मात्र धर्म है, पितृ धर्म है, बहुत सारे धर्म है। लेकिन हमारे आत्मा का धर्म क्या है? कि जितने भी धर्म हम सुनते हैं ये सब शरीर का धर्म है, लेकिन हमारा आत्मा का जो धर्म है वो सबका एक है। जैसे स्त्री है, स्त्री है तो स्त्री के शरीर में रहने से उसके धर्म बदल जाते हैं। जैसे सास ससुर की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, अक्सर करके स्त्री है ये। पुरुष है तो उसका धर्म हो गया कि परिवार का पालन करना, नौकरी करना, ये करना, ये सब उसका धर्म है। रक्षा करना अपने जो उसके अनुगत लोग हैं, तो शरीर के हिसाब से धर्म बदल जाता है। लेकिन शरीर के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का आत्मा का धर्म क्या है? एक ही है। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। और जब हमारा जो धर्म है आत्मा का, उसको धर्म बोलते हैं, जो ठीक ठीक रूप से उसका पालन करेंगे, तभी हमें जो सुख है, वास्तविक सुख है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। कोई कहता है कि स्त्री भजन नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही भजन कर सकते, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको एक बहुत सुंदर एक कथा सुनाता हूँ, रामायण के अंदर एक कथा है। ये कथा है शबरी की। शबरी क्या आपने नाम सुना है सभी ने? शबरी का कथा सुना। शबरी
शबरी एक बहुत पिछड़ी जाति, शबर जाति की शबरी थी और दिखने में पूर्व काली और 13-14 साल की बहुत छोटी आयु की शबरी थी। एक बार क्या हुआ, उसने देखा कि उसके पिताजी बहुत सारे बकरे खरीदते हैं, बकरा समझ बकरे खरीदते लेते हैं। तो शबरी ने बोला पिताजी, छोटी सी थी, बोला पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? बोला तुम्हारी शादी होगी ना, ये बकरों की बलि देंगे। तो बोले हे भगवान, मेरी शादी में इतने सारे बकरों की बलि देंगे, पुरानी कथा उनके वहाँ पे जा रहे थे, इतने सारे बकरों की बलि। बोला पिताजी मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। बोला बेटी जो जो हमारा रिचुअल है, जो हमारा जो कल्चर है, तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ये हमारी परंपरा है। तो बोली शबरी जो है घर छोड़ के चली गई, घर छोड़ के चली गई और दूर पंपा सरोवर के पास एक मदन मुनि रहते थे, मदन मुनि जी के आश्रम के पास जाकर वो दूर जंगल से उस आश्रम को देखती। उस आश्रम में बड़े सुंदर मदन मुनि रहते हैं, उनके बड़े सुंदर सुंदर विद्वान पंडित शिष्य रहते हैं और सभी उनसे शिक्षा ग्रहण करते और सब उनकी सेवा करते। शबरी जो सोचती कि मैं छोटी जाति की हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, आश्रम में कैसे जाऊंगी, तो वो दूर जंगल से खड़ी होकर देखती रहती कि कभी मैं इस आश्रम में जा सकती हूँ, क्या मैं भी ऐसे शिक्षा ले सकती हूँ। तो शबरी जो क्या करती, दूर से खड़ी होकर देखती, कभी सामने नहीं आती। उसको ऐसा लगता कि काश मैं भी कुछ सेवा करूँ। तो वो क्या करती, जंगल से लकड़ियाँ काटती तो उसको आती थी, लकड़ी काट के लाती और आश्रम के बाहर छोड़ के चली जाती, आश्रम के बाहर छोड़ के चली जाती। जो मठ के अंदर, जो आश्रम के अंदर शिष्य थे, वो देखते लकड़ी कौन ले आया, लकड़ी कौन ले आया, फिर वो लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते। और जो शिष्य लोग पंपा सरोवर में स्नान करने जाते थे ना, उस रास्ते को थोड़ा साफ कर देती, झाड़ू लगा देती, कांटे होते उसको साफ कर देती, मतलब सेवा करती। अब एक दिन मदन मुनि ने देखा कि ये छुपकर सेवा कौन कर रहा है, किसी की सेवा ऐसे बिना लेनी नहीं चाहिए, ये तो गुरु जी जानते शिष्य की सेवा बिना उसके लिए। तो जो मदन मुनि थे वो रात में जागे, उन्होंने देखा कि एक काली लड़की शबरी जो थी वो सेवा करती है रात में। तो उन्होंने बोला ये लड़की इधर आओ। तो शबरी डर गई, बोले डरो मत, इधर आओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो उसने बताया मेरी ऐसी सी शादी हो रही थी तो मैं भाग के आ गई, मैं देखती हूँ आपके आश्रम में बड़ा अच्छा लगता है। तो मदन मुनि ने बोला अच्छा ठीक है, तुम हमारे आश्रम में आ जाओ, सेवा करना और कथा सुनना बैठ के, जैसे सब लोग सुनते हैं वैसे तुम भी कथा सुनना। तो शबरी जो है मठ में सेवा करती और जैसे सब लोग शिष्य कथा सुनते वैसे शबरी भी कथा सुनती। ऐसे करते करते थोड़े दिन गुजरे, तो जो मठ में जो शिष्य थे ना, ब्राह्मण जाति के बड़े विद्वान पंडित, वो बोलते कहाँ इसको पिछड़ी जाति की, इसको कहाँ मठ के अंदर ले आए, कहाँ इसको आश्रम में ले आए, क्यों ले आए स्त्री को आश्रम के अंदर, और ये क्या है, गुरु जी को बोलते। तो गुरु जी बोलते बोले नहीं, ये भी कथा सुनेगी, इसका भी अधिकार है। ऐसे करते करते अब गुरु जी के जाने का समय आया, उन्होंने सबको बोला, बोला देखो इस आश्रम को छोड़ के कोई मत जाना, यहाँ पे एकदम एक दिन स्वयं पुरुषोत्तम राम यहाँ पर आएंगे और लक्ष्मण जी के साथ में आएंगे, इस आश्रम को छोड़ के कोई भी मत जाना। ये बात किसको बोली, सभी शिष्यों को बोली और शबरी को भी बोली। बोले बेटी तुम चिंता मत करो, यहाँ पर रहना, यहाँ एक दिन स्वयं श्री राम आएंगे। तो सब लोग शिष्य, गुरु जी तो चले गए सब शिष्यों को आज्ञा देकर, लेकिन सारे शिष्य गुरु जी के साथ साथ सारे शिष्य भी चले गए। आश्रम में कौन रह गई, सिर्फ शबरी रह गई। शबरी कितने साल की थी, बिल्कुल जवान थी, 15-16 साल की। लेकिन गुरु की आज्ञा, जो गुरु ने बोला था कि ये आश्रम को मत छोड़ना, यहाँ पर एक दिन राम आएंगे, शबरी दिन रोज आश्रम में झाड़ू लगाती, उसको साफ करती और जो आश्रम से लेके जो राजमार्ग है उस पर फूल बिछाती। क्यों, क्योंकि राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये तो पता नहीं। रोज सुबह उठती, तैयारी करती और जंगल से पुष्प लेके आती, जंगल से चक चक के बेर लेके आती और रखती, क्योंकि राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये तो पता नहीं। शाम तक इंतजार करती, आएंगे आएंगे, नहीं आए, वापस चली जाती, बोला कल आएंगे शायद, फिर कल सुबह फिर उस इंटेंसिटी से फिर सफाई करती, फिर तैयारी करती। क्यों, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा में, गुरु जी के वाक्य में उसका पूर्ण विश्वास है। तो ये जो उसकी गुरु निष्ठा है, गुरु के चरणों में भक्ति और भगवान की कृपा पर विश्वास है, एक दिन स्वयं श्री राम वहां पर आए। वो आश्रम में बैठी, दूर से देखती, बड़े सुंदर दो सुकुमार चले आते, बड़े सुंदर दो सुकुमार। वो बोले कि क्या सचमुच राम आ गए, उसको विश्वास नहीं हुआ। जब राम जी आए और राम जी ने बोला मियां आ गए, तो रोने लगी, वो रोने लगी और बोलती इसलिए नहीं रोएगी राम जी आ गए, वो बोले कि देखो मेरे गुरु जी ने सच बात कही थी कि एक दिन राम आएंगे। और वो बड़ी गदगद हो जाती, भाव में इतना रोती है कि भगवान के चरण उसको धोने नहीं पड़े, अपने आंसुओं से उसने भगवान के चरण धोए और भगवान की सेवा करना चाहती थी ना, भगवान को आसन देके बिठाया और भगवान को चक चक के जो बेर, मीठे मीठे बेर है ना, वो भगवान को देती है, भगवान के चरणों में
निवेदन करती है, भगवान ही सिखाओ, भगवान बड़े प्रेम से उस झूठे बैरों को भगवान खाए। लक्ष्मण जी देखते बोली झूठा खिलाती, इस पर इतना नहीं पता कि भगवान को झूठा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन शबरी कैसे खिला रही, प्रेम में। और भगवान राम जो प्रेम में उस बैर को खाके बोलते बोला शबरी तेरे ये जो झूठे बैरों में मुझे जो स्वाद मिलता है मेरे को 56 भोगों में नहीं और किसी भोग में ये स्वाद नहीं है जितने तेरे झूठे बैरों में मुझे रस आता है। और सूरदास जी जो हमारे संत हुए उन्होंने कीर्तन में लिखा झूठे फल शबरी के खाए बहु विधि स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो भगवान कितने दयालु, शबरी की चीजों को स्वीकार करते हैं। हम भी जैसे तैसे भगवान का थोड़ा बहुत भी भजन करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान राम हमारी बात को सुनेंगे, लेकिन उसकी कसौटी क्या है, गुरु मुख पद्म वाक्य चिंतन से करिए है। गुरु के चरणों में जब तक पूर्ण निष्ठा पूर्ण विश्वास और गुरु की आज्ञा गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जब तक गुरु के वाक्य मंत्र के जैसे नहीं लगेंगे, गुरु जो चीज बोलते हैं उसको नहीं करेंगे जब तक ये सब होने वाला नहीं। तो हम भी हाथ जोड़कर भगवान से गुरु चरणों को प्रार्थना करते हैं कि ऐसी श्रद्धा गुरु के चरणों में गुरु के वाक्यों में विश्वास किसी जन्म में हमारा भी हो, हमारे भी जीवन का उद्धार हो जाए। ये बोलते हुए से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी और एक बच्चा है कभी 5 मिनट कुछ कथा सुना दे। देखो हम भी चाहते हैं ना आपका बच्चे भी भगवान की भक्ति में लगे। देखो ऐसे नहीं कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दोनों जो लड़के हैं ना वो दोनों ही ये इंजीनियर हैं, ये दोनों ही इंजीनियर हैं और इनकी तनख्वाह बहुत अच्छी तनख्वाह है, ये दोनों ही काम करते हैं, लेकिन देखो काम करते जो भी भगवान की भजन करते हैं। देखो गले में देखो तुलसी की माला, देखो कंठी, देखो तिलक लगाए, देखो देखो माला झोली, देखो देख नहीं माला झोली है, है? इसलिए आप ध्यान देकर सुनो ये भगवान है। पानी वाले पानी नहीं, जब कीर्तन हो तभी लाना पानी, कभी नहीं। इसलिए भगवान नरसिंह देव कहते हैं वंश में अगर एक बेटा भजन में लग जाए, ये जिस समय भगवान हिरण्यकशिपु को भगवान ने वध किए उसी समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, बोले प्रहलाद कुछ बर्मा को बेटा। प्रहलाद ने कहा पिताजी ठाकुर जी मेरे पिताजी को नरक में मत भेजा दो, मेरे पिताजी को अपना चरण की भक्ति दे दो, चरण की भक्ति दे दो, मेरे पिताजी को नरक में मत भेजना। देखो ध्यान देकर सुनो, जिस पिता जिंदगी भर प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश किया, पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, अग्नि को बीच में बैठा दिया जहर पिलाने के लिए, अब प्रहलाद का नाम सुने होंगे, जब वो भजन करता था उसको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन जब बेटे को ठाकुर जी पूछते हैं बेटा बर्मा को, बेटा क्या कहता है, मेरे पिताजी को उद्धार कर, मेरे पिताजी को उद्धार कर। देखो इसी जगत में देखना, जैसे एक पिता का 2-3 लड़के हैं, मानो पिताजी की संपत्ति बहुत है, अगर किसी बेटे को इतना पिताजी कम दे दिया और एक बेटे को ज्यादा दे दिया, देखना जिस बेटे को आप कम दिया होगा ना जब तक वो जिंदा रहेगा पिता माता को गाली निकालता रहेगा, मतलब डोकरा डोकरी हमें कम पैसा देकर गए और उसको ज्यादा दिए, जिंदगी भर गाली निकालेगा। लेकिन बेटा अगर आपका भक्त बनेगा ना वो कभी भी पिता माता को गाली नहीं देगा, क्यों, सोचेगा पिता माता हमें जन्म दिया है, इन्होंने जन्म नहीं देता तो हम कहां से आते, पिता माता के चरण छुएगा, पिता माता को सेवा करेगा, अगर भक्ति करेगा तो उसका हृदय महान हो जाता है भक्ति करने वाले बेटा का। इसलिए नरसिंह भगवान कहते प्रहलाद तू तेरे पिता माता की बात क्यों बता रहे हो, तेरे तो 21 पीढ़ी उधार हो गए, कितना पीढ़ी उधार हो गए, कितना पीढ़ी उधार हो गए, ये भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं, बोले कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा बसती सदन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरे साथ
जैसाम कोले भाई नव नाम दे। ये ठाकुर जी कह रहे हैं एक बेटा भजन कर तो एक पीढ़ी उधार हो जाएगी। जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते हैं, बेटा उधार होने से पहले वो पिता माता को वैकुंठ गति हो जाता है, पिता माता पहले भगवत धाम को चले जाएंगे। जो माँ वो बच्चे को गर्भ में धारण करती है फिर उसका कोख धन्य हो जाती है। जो पूर्वज लोग पहले चले गए वो हाथ उठा उठा कर नाचना शुरू कर देते हैं, बोले हमारी कितने भाग्य है, देखो हमारा वंश में एक बेटा प्रभु का भजन कर रहा है, अभी हमारे कोई चिंता नहीं, अभी हमारी उद्धार हो जाएगी। और वसुंधरा मतलब जो पृथ्वी है वो भी अपने आप को धन्य मानती है, अहो भाग्य मेरे कोख में एक सुंदर भक्ति करने वाले बेटा जन्म लिया, मतलब इतना भाग्य है जिस वंश में एक बेटा प्रभु की भजन में लग जाए, इतने पुण्य की भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं। अगर बेटे गलत रास्ता पर चले गए, शराब पीना शुरू कर दिए, जुआ खाना मांस खाना शुरू कर दिए, तो उसका पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा, जैसे पुण्य लेके उसको पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा। ये पुराण में कथा थी है, कहते कोई एक योगी उसने स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उनको सेवा कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में भी बैठ बैठ कर रो रहा था। जोगी ने पूछा भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया पर यहाँ पर रो रहे हैं क्यों? बोले मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले मैंने बहुत पैसा रुपया पैसा दान किया इसलिए मैं तो स्वर्ग में आया, लेकिन बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखा पाया, बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखा पाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, उसी पैसा से जुआ खेल रहे हैं, उसी पैसा से वो सबके सब मदिरा पान कर रहे हैं, इसलिए इसका पाप का जो कर्म का जो फल है मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा। अगर हम पैसा कमा करके गए ना, बच्चे गलत रास्ता पर लगाए तो उसका पाप भी भोगना पड़ता है, इसलिए क्या करनी चाहिए? बोले स्वयं भगवान की भजन करे और दूसरों को भी भगवान की, बच्चों को भी सदमार्ग में लगाओ। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मन चाह से अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पादश दर्शन श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज तीन चार दिन हो गए हैं आप लोग भागवत कथा सुन रहे हैं और भागवत में कई महापुरुषों के चरित्र के अनुसार हमको कहीं कई शिक्षाएं मिलती है। अभी जो महाराज जी बता रहे थे प्रहलाद महाराज की विषय में, प्रहलाद महाराज जी के जो चरित्र है वो भी बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो हम लोग कभी कभी हमारे प्रभु जी के साथ में या कहीं भी जाते हैं प्रचार के लिए तो लोग देखते हैं तो बोलते हैं बोले अभी तो बच्चे हो तुम लोग को खाना खेलना मौज करना चाहिए, अभी से भजन की क्या जरूरत है। तो प्रहलाद महाराज जी जो है इस विषय के विषय में बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं। एक बार क्या हुआ था कि उनको उनके जो गुरु थे शंड और अमर राक्षस गुरु, तो वो कहीं बाहर चले गए थे तो गुरुकुल के अंदर उन्होंने सभी बालकों को एकत्रित करके और उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि कुमारम आचरित प्राप्यो धर्मान भागवतानिह
दुर्लभम मानुषम जन्म तदर्थ ध्रुवम अर्थतम। वो क्या बताते हैं, इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता के विषय में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि हमको भजन करने के लिए कौन सी एकदम सही उपयुक्त जो एज है उसके विषय में बताते हैं। लोग कहते हैं कि अभी जो है शुरू से बचपन से खाओ खेलो मौज करो, पढ़ाई करो, शादी करो, नौकरी करो, उसके पश्चात फिर जब बुढ़ापा आएगा तब फिर भगवान का नाम ले लेना। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो, ऐसे नहीं, जो जो बुद्धिमान लोग हैं उनके विषय में बता रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि जो प्राज्ञ व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, उसको क्या करना चाहिए, कौमार अवस्था में अर्थात 5 साल की उम्र से ही भगवत भजन में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ये भागवत धर्म जो है इसका अनुसंधान, इसका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये हमको खाने खेलने शादी करने के लिए या और दूसरी सारी चीजों के लिए नहीं मिला है, ये भगवान ने बहुत ही कृपा करके और भजन करने के लिए ही दिया है। और दूसरी सारी 84 लाख योनियां हैं, भागवतों में भी बताया गया है, और भी लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, मनुष्य जीवन के लिए कहा है कि ये बहुत ही दुर्लभ है, आप 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हो, भ्रमण करते 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 ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है, वरना अगर इसमें भी वही सब काम किए जो आप अन्य सब जन्मों में कर रहे हो, खाना खेलना आहार निद्रा भय मैथुन, जो ये 4 मुख्य कार्य हर जीव करता है, अगर मनुष्य जीवन पाकर भी यही 4 सब कार्य किए हैं तो तुम्हें मनुष्य जीवन जो है ये वेस्ट चला गया तुम्हारा, इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। तो क्या करो, बचपन से ही कौमार अवस्था से ही इसका पालन करो। तो उसपे फिर जो है इन्होंने बताया, जो बालक थे प्रहलाद महाराज जी बालकों को बताया, तो बालकों ने प्रश्न किया कि अभी क्यों, हम जब बूढ़े होंगे तब कर लेंगे या फिर आगे जो और हमारी उम्र बढ़ी है उसके अंदर कर लेंगे। तो उसके अंदर प्रहलाद महाराज जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है कि इतने समय तक जीवित रहोगे? आज के टाइम पे हर कोई बूढ़ा है, बुढ़ापा हम किसको कहते हैं कि जो मृत्यु के निकट हो। तो आप देख लीजिए, क्या कोई बच्चा नहीं मरता है? कोई बच्चे जो हो, जो अगर 3 साल का होता है वो भी मर जाता है, कोई जवान होता है वो भी मर जाता है, हर कोई मृत्यु के निकट है, हर कोई, हर किसी की भी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। जो सांस हमने अंदर ली है वो बाहर आएगी, हम अगले क्षण जीवित रह पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी कार्ड नहीं, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसलिए क्या करो कि जैसे अभी से इसी क्षण से जो है भगवान का भजन प्रारंभ कर दो। तो उसके बाद वो लोग प्रश्न करते हैं, चलो ठीक है, हमारी लाइफ का कोई श्योरिटी नहीं है, हम हो सकता है मर गए तो अगले जीवन में कर लेंगे, आप तो बता रहे हो ना आत्मा नित्य है तो अगले जीवन में कर लेंगे। तो उसके अंदर प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन भी बहुत दुर्लभ है, ऐसा नहीं है कि अगला जीवन में तुम्हें मनुष्य का ही मिलेगा, ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसके अंदर तुम भगवान का भजन करो, अगला जीवन कुत्ते बिल्ली का करेगा। जैसे आप देखो सड़क पे कुत्ता जो घूम रहा है वो यहाँ भगवान का नाम कर सकता है, वो भागवत कथा सुन सकता है, वो ये सब चीजें जो पशु होनी है या और जो निम्न निम्न होनी है उसके अंदर जो है वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा हमको योनि मिली है जिसके अंदर हम भगवान का भजन कर सकते हैं, अपना भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी इस मनुष्य जीवन मिला है, हम गुरु सदगुरु के चरण का आश्रय करते हुए भगवत सेवा करें, भगवत भजन करें, यही कहकर मैं अपनी मां को विराम अभी बामन भगवान आएंगे फिर कहने आएगा बामन भगवान बनाया कि बामन भगवान को बन गए। हाँ देखो अभी श्री बामन देव आ रहे हैं, बोले श्री बामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की। हाँ देखो आज तो कन्या जन्म लेगा, कल श्री राधा रानी जन्म लेगी। आज आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? हाँ कल है सब के सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना, क्योंकि राधा रानी का जो सुंदरी है ना वो गुलाबी रंग की, अब जो गुलाब रंग है वो प्रेम का प्रतीक ही गुलाब रंग है। देखो हमारे शरीर में देखो ये जो वस्त्र है कौन सा रंग का? ये गुलाबी रंग का। हम लोग ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हैं? कहते ना आज बिरज में होली दे रसिया, जैसे होली खेलते हैं वो गुलाल रंग है, वो गुलाल रंग कौन सा? मधुरा का रंग है। इसलिए कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, इसलिए कल सबके सब कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे? गुलाल रंग। ठीक है, कहते ये देवता दैत्य में जब लड़ाई होती थी, अगर देवता मरे तो मर जाए, और दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य अगर ये मरे ना गुरु जी उनको जिला दे। एक दिन देवता लोग भगवान के पास में गए, ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे? बोले समुद्र मंथन कर अमृत निकलेगा, इसको पी करके अमर बन सकते हो। अभी समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, अभी देवता दैत्य में लड़ाई शुरू होगी।
देवता बोले हम पिएंगे, दैत्य बोले हम पिएंगे। इतने में भगवान मोहिनी अवतार लिया। क्या सुंदर ठाकुर जी का रूप थे। इसको देख करके जो लड़ रहे थे ना, हमारा लड़ाई खत्म। वो मोहिनी को देख करके पागल हो गई। बोले भैया क्यों लड़ रहे हो? बोले अमृत पीने के लिए। दैत्य लोगों ने बोला मोहिनी अमृत पिएंगे तो तुम्हारी हाथ में पिएंगे। बोले भैया हमें अनजान स्त्री को विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं पिएंगे तो तुम्हारी हाथ में, नहीं तो पिएंगे नहीं। बोले मैं बेच में जो कुछ करूँ बताना नहीं। बोले कुछ नहीं, बोले दो लागी करके बैठ जाते। बोले पहले देवताओं को तो बुला देता हूँ, फिर तुम लोगों को गाड़ी गाड़ी दोनों एक साथ में बैठ करके पिएंगे। जब उन्होंने देवताओं को पिला रहे थे, इतने में स्वर्भानु नाम के जो दैत्य ये चंद्र सूर्य को बीच में बैठ कर इसने भी पान कर लिया। इतने में उन्होंने इशारा किया प्रभु जी ये दैत्य ने पी लिया। फिर भगवान सुदर्शन चक्र को बुलाकर उसको गले को काट दिए। एक हो गया राहु और एक हो गया केतु। इसलिए बीच बीच में ये चंद्र सूर्य क्या करता है, चंद्र सूर्य को राहु केतु ग्रास करते हैं। भगवान अमृत पिलाते पिलाते उन्होंने सारे अमृत को उन्होंने पिला दी। और इतने में ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अभी देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई। देवता लोग अमृत पी चुके थे, सारे दैत्यों को मारना शुरू की। इतने में श्री ब्रह्मा जी आकर के उनको बंद की। इतने में फिर शुक्राचार्य अपना चेलों को फिर जिंदा कर दी। इतने में दैत्यों का राजा था बलि, उसने एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्व, जिसको यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। वो यज्ञ कोई करे ना, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता है। वो यज्ञ से एक रथ निकला, उसको ऊपर बैठ करके कोई युद्ध करेगा उसको कोई हरा नहीं सकता है। फिर उन्होंने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाव किया और सारे देवता को मार मार करके उनको भगा दी। जब उनको भगा दी और उन्होंने इंद्र सिंहासन पर बैठ लिया। अभी देवता को जो माँ थी अदिति, उसने जाकर के कश्यप जी को बोले, बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा? बोले एक काम करो कि व्रत है, केवल 12 दिन का ये व्रत है, ये व्रत रखो, रोज ठाकुर जी को खीर भोग लगाओ और बड़ी संयमता के साथ में रहो, भगवान वामन रूप में आएंगे, फिर तुमको स्वर्ग राज्य वापस देंगे। इसलिए जब उन्होंने व्रत की, भगवान श्री वामन देव अवतरण हुए। बोले श्री वामन भगवान की। जब श्री भगवान वामन देव आए, क्या सुंदर इनकी रूप थी। उनकी उपनयन संस्कार करवाए, नियम ने उपनयन के बाद उसको गुरु को दिखा, उनको दक्षिणा देना पड़ता है। बोले गुरु जी बताओ क्या दक्षिणा चाहिए? बोले छोटे मोटे चीज नहीं, जाओ बलि महाराज से स्वर्ग राज्य मांग कर के लाओ। जब बलि महाराज को पास में पहुंचे, इन्होंने इनके रूप देख करके इतने मुग्ध हो गए, बोले मेरे जीवन तो धन्य हो गया है, आज ऐसे ब्राह्मण को मैं दान दूंगा। बोले आप मेरे से वर मांगो। बोले पहले आप संकल्प करो, फिर मैं वर मांगूंगा। जब संकल्प करने के लिए जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य को पता चला तो शुक्राचार्य आ गया। बोले बलि सावधान, जानते हो ये कौन है? बोले ये कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना और तुमको अमृत से बचना कर दी, वही मोहिनी अभी ये मोहन बन करके आया। खबरदार दान मत दिया करना, वो तीन पग जमीनी में आ गए हैं, त्रिभुवन राज्य को ले जाएंगे। ऐसे दान को प्रशंसनीय नहीं मानते हैं। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, आप स्वयं बताते हो ठाकुर जी, ये भगवान मेरे अहोभाग्य, ठाकुर इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते थे, लेकिन आज मेरे पास में दान लेने के लिए आए, मैं तो ठाकुर का दुंदा ही। बोले मैं गुरु हूँ, मेरे बात नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले जाओ मैं तुमको अभिशाप देता हूँ तो स्त्री भ्रष्ट हो जाओगी। बोले कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने गुरु जी को त्याग दे दिया। देखो शास्त्र में बताया गुरु जी को कभी त्याग नहीं देनी चाहिए, पाप लगता है। लेकिन बलि महाराज गुरु को त्याग दिया। बोले क्यों त्याग दी? बोले कारण बताए, अगर गुरु जी तुम्हें कोई असल उपदेश प्रदान कर रहे हैं, जहां पर भगवान आए हैं, कहते ना अखंड मंडलाकारम व्याप्त चेन चराचरम
तत्पद दर्शितम तेन तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु का काम क्या है, जो भगवान कण कण में जो व्याप्त भगवान उनकी चरण को जो दर्शन कराते, ये गुरु जी का काम। लेकिन ये गुरु जी स्वयं कहते भगवान को दास मत दो, भगवान को दास मत दो, बल्कि गुरु बनने का लायक नहीं है। शास्त्र ने बताया तीन अवस्था में हम गुरु को त्याग दे सकते हैं। पहला नंबर है, अगर गुरु जी असत मार्ग में चले गए तभी हम गुरु जी को त्याग दे सकते हैं। दूसरी है, अगर गुरु जी सुख परंपरा में अगर नहीं है तभी हम त्याग दे सकते हैं, और गुरु जी अगर गलत उपदेश देते हैं तभी हम त्याग दे सकते हैं। अभी उन्होंने त्याग दे दिया, अभी ठाकुर जी एक चरण में उन्होंने भूर भुव मोहजन तप सत्तर लोगों को ले लिए, दूसरे चरण में अतल विटल कला तल पाताल लोगों को ले लिए। बोले बताओ तीसरे चरण में कहाँ रख दी। इतने में उनकी जो पत्नी थी ना, बड़ी भक्ति पति थी, बोले आप भगवान को क्या दिया, कुछ तो दिया ही नहीं, दुनिया ठाकुर की भी ठाकुर दुनिया ले लिया, फिर आप ठाकुर को क्या दिया, अरे बताओ ना अपना सर को ऊपर रखो। बलि महाराज खूब खुश हो गए, वाह इतने सुंदर पत्नी है। बोले प्रभु ये बताओ, दान बड़ा ना दानी बड़ा। बोले दानी बड़ा। बोले अभी तो केवल आप दानी लिए, दानी तो स्वयं बाकी है, बताओ आपका चरण कहाँ पर। बोले बताओ रखे कहाँ पर। बोले मेरे सर पर रखो। फिर ठाकुर जी अपना चरण को बलि महाराज का सर पर रखे, और इसको देख करके सारे देवता आश्चर्य हो रहे थे, अहो भाग्य है, देखो जो चरण को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आज वह चरण उन्होंने श्री बलि महाराज का सर पर दिए। बोले श्री बलि महाराज की जय। बामन भगवान को ले आओ। बोले श्री बामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आपको पास में अभी वो भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, जैसे सुदामा ने दो मुट्ठी चीरवा दिया तो हे बच्चों उसका तुम फोड़ रहे हो, हे बच्चों उसको फोड़ना नहीं, अब चार दिन तक उत्सव चलेगा, दोबारा कभी फोड़ना नहीं। भगवान भिक्षा देने लेने के लिए जाएंगे, जैसे सुदामा ने दो मुट्ठी चीरवा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया है, इसलिए भगवान आज आपको पास में भिक्षा लेके जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा भगवान को भिक्षा देना। गुरु भावन भगवान की जय। जय श्री राधे। रुद्र द्वार खड़ा भगवान, रुद्र द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे उसेरा होगा बड़ा के युग युग तेरी देवी सा, भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे।
लेकिन घर में कोई बालक नहीं, इसलिए बड़े दुखी है।
एक दिन वशिष्ठ जी को बुला करके बोले, गुरुदेव घर में कोई संतान नहीं है, हम चाहते हैं घर में एक बालक भी जन्म हो। तब वशिष्ठ जी यज्ञ करवाए, लेकिन पिताजी की मन में इच्छा है घर में एक बेटा हो जो भविष्य में राज सिंहासन को संभाले, लेकिन पत्नी की इच्छा है घर में बेटी हो। फिर बेटी क्या करेगी, ये बेटी माँ को मदद करेगी। देखो पहले ऋषियों के पास में कितने दिव्य ज्ञान होता था, कितने शक्ति होती थी, वो जैसे मंत्र पढ़ते थे, अगर बेटा का मंत्र पढ़ते थे वो खीर बनाते उसको खाओ तो बेटा हो जाएगा, अगर बेटी की मंत्र पढ़ करके खीर बनाएंगे तो उसको खाने से बेटी होगी, मतलब ऐसे मंत्र था। अभी पत्नी ने जा करके, राजा की पत्नी ने जो ऋषियों को बोले, देखो अगर घर में बेटी होगी ना तो चकार के मुँह माँ की दक्षिणा दे, अगर कोई बेटा हुए ना कोई दक्षिणा बोलना में नहीं दूंगी। अभी ब्राह्मण लोगों बोले, भैया बढ़िया दक्षिणा होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, उनने बेटा की मंत्र नहीं पढ़ करके उन्होंने बेटी की मंत्र पढ़ दी और उसी से बनाया कि पत्नी को खिलाया तो बेटी नहीं को बेटा हो गया। जब बेटा हो गया इतने में साथ है वो मनु श्री वशिष्ठ जी को पास में गए, बोले गुरुदेव ये बेटा नहीं होकर के बेटी कैसे हुई। इतने में उन्होंने बुलाया ऋषियों को, बोले भैया बेटा नहीं है होकर बेटी कैसे हुई। बोले गुरुदेव इसमें हमारी कोई दोष नहीं, इनके घर में एक मत नहीं, पत्नी ने कहा बेटी होगी तो मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, बेटा होगा तो कोई दक्षिणा नहीं दूंगी, हमने देखा भैया दक्षिणा से मतलब, इसलिए हमने बेटी की मंत्र पढ़ लिए। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजा घर में जो बेटी आई ना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, कौन आई है कहते लक्ष्मी आई, लेकिन बेटा आए ना कोई नहीं कहते नारायण आए, कोई बोलते हैं, इसलिए देखना जब बेटी को शादी दिलवाते हैं देखना मंत्र पढ़ करके देते हैं ये लक्ष्मी स्वरूपी है, और कन्या दान को सबसे बड़ा दान मानी गई। आज जिसकी घर में बेटी आए ना कहते माँ लक्ष्मी की घर में बड़ी कृपा होती है, क्योंकि कन्या को लक्ष्मी स्वरूपी कन्या को मानी गई है। बोले आप दुखी मत हो घर में लक्ष्मी आई, बोले ये बात की बात है, हम तो चाहते हैं घर में बेटा हो। देखो ऋषियों को पास में कैसे मंत्र होता था, वशिष्ठ जी ऐसे मंत्र पढ़े वो जो बेटी थी ना उन्होंने बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया, इसलिए बेटी का नाम थी एला, लेकिन जो बेटा बनाया उसका नाम पड़ गया सुदुम्न। एक दिन ये सुदुम्न जब बड़ा हुआ अपना संन्यास सामंत लेकर के जंगल में घूमने गया था, वो जंगल में प्रवेश करते जितने घोड़ा सब घोड़ी जितना सैनिक सब के सब लड़की, और जो ये राजकुमार जिनका राजकुमार बोले भैया कैसे कैसे हो गया, अब सब के सब लड़की कैसे बन गई कैसे कैसे हो गई। बोले वो जंगल से श्री शंकर जी रहते थे पार्वती को साथ में, एक दिन चतुसन शंकर जी को दर्शन करने के लिए पहुंचे, उसी समय शंकर पार्वती दोनों मिल रहे थे, और इतने में चतुसन वहां पर पहुंच गए और मैया पार्वती को एकदम शर्मिंदा भी पड़े। शंकर जी को बोले ये कोई गर्भिणी है, जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठा कर चले जाते हैं। फिर शंकर जी अभिशाप दे दिया, पर आज से मैं अभिशाप देता हूँ अगर इसी जंगल में कोई लड़का आएगा ना वो लड़का नहीं तो सबके सब लड़की बन जाएगी, अभी इनको पता ही नहीं था सबके सब लड़की, अभी इतने शर्मिंदा में पड़ गई कोई राज्य में आए नहीं मुंह दिखाने के लिए शर्म लगता है। अभी राजा को फिर पता चला फिर मेरे बेटा बेटी होगी, फिर श्री गुरु जी को पास में गए, फिर गुरु जी गए शंकर जी को पास में, शंकर जी बोले देखो कैसे नहीं हो सकता, मैंने जो वरदान ये सत्य होगा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ आपका बेटा तो एक महीना बेटा रहेगा और एक महीना बेटी रहेगी, मैं इतना कर सकता हूँ, बोले कम से कम इतना करता हूँ। जब उन्होंने बेटा बने उसकी शादी हुई, जब शादी हुई उससे जो संतान उत्पन्न हुए उसी से ये सूर्य वंश चला, और सूर्य वंश में स्वयं भगवान राम आए। जब वो बेटी बनी फिर इसकी शादी हुई भूत गोसाथ में, शादी हुई तो उससे जो संतान जन्म हुआ उससे चंद्रवंश आया, और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। देखो
भगवान की कितने अद्भुत माया है। एक व्यक्ति से ही चंद्र और सूर्य से चला और दोनों एक व्यक्ति से चंद्र वंश से कृष्ण और सूर्य वंश में भगवान राम आए, दोनों भगवान एक वंश में आए। ये एक भगवान की अद्भुत कथा है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, जब श्री सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण कथा बोलेंगे, जैसे टीवी में सीरियल आती है ना, उनकी तो हृदय में सारी कृष्ण लीला के सीरियल प्रकट होने लग गया। उन्होंने क्या क्या, जैसे अगस्त ऋषि एक चूल भर में पूरा समुद्र को उन्होंने पान कर लिया, उन्होंने एक श्लोक को बोल करके पूरा कृष्ण कथा सुना था। कैसे कृष्ण मथुरा में दर्शन कारावार में प्रकट हुए, कैसे कृष्ण गोकुल में गए, पुतना अगासुर बकासुर को मारे, प्रभु कैसे रास रचाया, कैसे मथुरा में गए कंस को उधार की, प्रभु कैसे द्वारका में गए 16108 रानियों से शादी की, इसको बाद में हर रानियों से 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई, ठाकुर जी अभिशाप को स्वीकार किया और प्रभास नेत्र में अपना अंतिम विलाप समाप्त की। उन्होंने इतना बोल करके ना बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जोर से प्रभु जी हम थोड़ी से 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद में आना, ठीक है 5 मिनट बाद में। हाँ जोर से देखा ले आओ, आप पीछे क्यों देख रहे हो, इधर देखो अभी वो भी सामने आएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हैं, अभी उन्होंने जब एक श्लोक में उन्होंने सब कुछ बोल दिया और उन्होंने जयकार लगा दी और चुप हो गए परीक्षित महाराज। बोले क्या कृष्ण कथा हो गया, उन्होंने बोल दिया ना। बोले नहीं, मैं तो 4 दिन से टकटक लगा कर बैठा हूँ कृष्ण कथा ही सुनने के लिए। क्यों, जब मैं मैया के पेट में था भगवान मेरे को रक्षा की, वो हमारी कुल देवता है, मैं तो 4 दिन से बैठा हुआ हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए। अब तो एक श्लोक में पूरा की पूरा उन्होंने कृष्ण कथा सुना दी, मेरे को तृप्त नहीं हुआ, मेरे को विस्तृत रूप में बनाओ। यहाँ प्रश्न आता है, इन्होंने एक श्लोक में क्यों कृष्ण कथा सुना दी, इसका कारण बताया। जैसे आप लोग सब इधर देखो, बात मत करो, सब आगे देखो समझे सब। हाँ, इसका दो कारण बताया। पहला कारण है, जैसे बहुत गर्मी है, आप बहुत गर्मी से आ रहे हो, आपको प्यास का मारे आपका छाती फट रहा है, अगर एक ग्लास आपको बढ़िया कोई जूस दे दिया, आप क्या करोगे, एक साथ में पूरा के पूरा एक ग्लास जूस को पी लोगे। क्यों, आपका छाती प्यास हमारे फट रही थी। एक उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी वो देख रहे थे भैया कृष्ण की जन्म कथा कब आए, क्योंकि वो सुखदेव कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभान जाया, ये राधा रानी की ये प्रिय सुख है। वो केवल कृष्ण कथा बोलने के लिए बैठे हुए, लेकिन जब कृष्ण कथा आई, सब कृष्ण कथा को जब दर्शन की, एक श्लोक में मानो सारी कृष्ण कथा को पार कर ली। और दूसरा कारण है, परीक्षित महाराज को परीक्षा कर रहे थे, क्या ये सचमुच से कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा, ना कैसे बैठा हुआ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले, चार दिन हो गया, अभी तक थोड़ी सी पानी भी नहीं पिया, एक ग्लास पानी पी लो। पानी के लिए इतना गड़बड़ हुई है, फिर आप पानी की बात कर रहे हो। आपकी मुखार बिंद से कृष्ण कथारूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है, हम तो उसको पी पी करके खुश हो रहा हूँ। आप कथा को बंद मत किया करो, नहीं तो फिर मेरे को प्यास सताने लग जाए। आप कथा सुना रहे हो, फिर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, फिर तो उन्होंने 3 दिन तक केवल कृष्ण कथा सुनाए। बोले कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्यांग चोभर वंशनाम चरितंग परमाद्भुतम। बोले भगवान की जो कथाएं एकदम मीठा है। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, अब सबको नाचना पड़ेगा। बोले क्यों, अभी रसगुल्ला जन्म लेने वाले, कौन जन्म लेने वाले, रसगुल्ला जन्म लेने वाले, वो कौन है, बोले भगवान कृष्ण, जिनको वेद में बताया रस वैस रसम जगायाम लब्धानंद भवती। भगवान कौन है, स्वयं रस स्वरूप है। जैसे रसगुल्ला कहते हैं ना, रसगुल्ला कब होता है, जब गुल्ले को रस में डाल दो, क्या हो जाएगा,
रसगुल्ला हो जाएगा। क्या भगवान ऐसे है? बोले नहीं, भगवान स्वयं रस स्वरूप है। भगवान जिसने श्री बल्लभाचार्य एक सुंदर अष्टगन के भगवान का सब कुछ मिठाई मिठा। वो कहते हैं बोले आधरंग माधुर पातनंग माधुर नायन माधुर असित माधुर अधरंग माधुर बदतन माधुर चलना मीठा, बोलना मीठा, अधर मीठा, सब वो मिठाई मिठाई भगवान है। इसलिए कहते तीन गंगा है, एक स्वर्ग में उसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है। एक मर्त्य जगत में उसका नाम भागीरथी, ये मर्त्य जगत को कल्याण करती है। एक पाताल में जिसका नाम भोगवती, जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है। किसको किसको? बोलने वाले, सुनने वाले और प्रश्न करने वाले, ये तीनों को कृष्ण कथा पवित्र करती है। कृष्ण कथा में इतना आनंद है, बोले विपरीत तस्य रूपज्ञ मनात् भव औषध छत्र मनोरमा। कृष्ण कथा इतने मधुर, इतने मीठा है, जो आत्मा में रमण करने वाले परम जो ब्रह्म ज्ञानी सुख सनातन आदि, जब उन लोगों ने कृष्ण कथा सुने ना, भक्ति हरि की ऐसे महिमा है भगवान कृष्ण की। जिस समय किसी मरते जगत में कंस बड़ा अत्याचार किया, अपना पिता माता को बंदी शाला में डाल दिया, बोले मेरे देश में कोई कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, और जो कीर्तन यज्ञ करेगा सबको सबको में जेल में बंद कर दूंगा। कितने में पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी शंकर कर इंद्र के पास में गए। फिर पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम्हारे दुख में समझ गया हूँ, जाओ ये जंतु वंश में जन्म ग्रहण करो, हे देवियां गोपी वंश में जन्म ग्रहण करो। श्री कंस अपना बहन देवकी को वसुदेव के साथ में शादी करवाया, बहुत कुछ दहेज दे करके जब विदाई कर रहा था, आकाशवाणी हुई, रे पुरा कंस जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान मेरे काल बन गया। कंस देखा ये देवता का वाणी कोई झूठे नहीं होगी, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी को मारने जा रहा था, वसुदेव ने देखा आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगा, जरूर सत्य होगा, इसलिए देवकी को बचानी चाहिए। साम दाम दंड भेद किसे समझाने के लिए कोशिश की, कंस समझ नहीं रहा था। बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चों को मैं तेरे को दे दूंगा। अभी राजी हो गया, पहला बेटा कीर्तिमान हुआ। जब कंस को दिया उसका हृदय तो पिघल गया, बोले अपना बेटे को काल बहाद में खुश हो गया, तेरे सत्यवादी में दम है, ले जा बच्चे को ले जा। इतने में नारद जी ने देखा गड़बड़ी हो गई, बोले क्यों ठाकुर जी कब आएंगे, जब पाप की घड़ा भरेगा, लेकिन इसकी हृदय में तो दया भाव आ रहा है, ठाकुर आने में लेट करेंगे। इतने में श्री नारद जी प्रकट होते ही और कंस को बुलाया, बोले अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, देख कंस सावधान कि जितने जदुवंशी है ना, ये सब के सब देवता
और जितने गोपियां कोई नहीं देवियां तेरे को मारने के लिए षड्यंत्र करके आई यहाँ पर, उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसने 8 पंखुड़ियां हो। बोले बताओ तो पहला नंबर कौन, आठवां नंबर कौन? बोले कैसे बताऊं, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर से गिनो 1 2 3 4 5 7 8। बोले मतलब? बोले मतलब नहीं समझ रहे हो, देवता का बात समझना बड़ा कठिन। तू तो इधर से गिन रहे हो, अगर वो उल्टा से गिने तो जो 1 हो जाएगा 8। बोले गुरु जी पर सबको मार दो। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरे बाप जानता है। भड़का दिया बच्चों को, और नारद जी उठाया बिना और बिना बजाते बजाते नारद जी बोले जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा जय जय राधा चौथा स्टेज क्या है? बोले भजन क्रिया।
फिर हम क्या करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करना शुरू करते हैं। क्यों? भगवान की भक्ति करके ही प्रभु के पास में जा सकते हैं। पर पंचमा स्टेज क्या है, जब ऐसे भक्ति करेंगे हमारा हृदय में जो अनर्थ है, जो काम क्रोध लोभ और जो अनर्थ हमारा हृदय में जो अर्थ नहीं है, ये गंदी चीज फिर हमारे हृदय से दूर होगी। पर छठवा स्टेज में फिर भगवान की प्रतिमारी निष्ठा आएगी। निष्ठा मतलब है भक्ति में इतने पक्के बन जाएंगे, इतने पक्के बन जाएंगे जैसे मीरा है, इसको ऊपर में कितने बाधा विपत्ति आएगी, लेकिन क्या उसने प्रभु का भजन छोड़ दिए, भगवान के भजन को छोड़े नहीं, उसका जेठ ननद सास ससुर सबके सब उसको पीछे पड़ गए, वहां तक भी एक कुत्ता भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। आप देखना अगर बेटा अगर सिगरेट फूंक रहा है ना, शराब पी रहा है ना, वेरी गुड बेटा, बड़ा एडवांस हो रहा है, लेकिन गले में कंठी थोड़ा तिलक धारण कर ले, बोले ये कोई तेरी उम्र है अभी, ये सब क्या कर रहे हैं, गले कंठी माला तिलक, लेकिन सिगरेट फूंक रहा है वेरी गुड, शराब पी रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये दुनिया ऐसे की चीज है, गंदे काम करे कोई रोकने ठोकने वाले नहीं, भक्ति करना शुरू कर दो सारे कुत्ते तक भी तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मीरा के पीछे जब सबके सब पड़ गए, लेकिन मीरा की इतने पक्की निष्ठा है, सारा दुनिया छूट गया लेकिन उसकी भक्ति को उसने छुड़ा नहीं पाई। चहर को भेजा मीरा ने, चहर ठाकुर जी को देख करके अमृत बन गया, उन्होंने अमृत रूप में पी भी है, उसको सालग्राम उसको सर्प बोल करके सालग्राम को सर्प रूप में करके दे दिया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ है, इसलिए इतने पक्की थी। इसलिए निष्ठा मतलब होता है जब भगवान की भक्ति करेंगे ना, देखो हमारी जीवन में बड़ी दुख आई लेकिन भजन नहीं छोड़ना। देखो जगत में किसका नाम हो रही है, मीरा का नाम हो रही ना, अभी तक भी सारा दुनिया मीरा का कथा सुनते हैं है? लेकिन रावण और विभीषण थे, रावण विभीषण था है, रावण क्या करता था, विभीषण भक्ति करता था, विरोध किया, विभीषण को निकाल दिया रावण ने, देखना अभी भी साल में एक बार रावण को जलाते हैं। लेकिन ये रामायण कब, त्रेता युग में, रामायण कब आया, त्रेता युग में, अभी भी रावण को जलाते हैं, जलाते कि नहीं रावण को, बोले क्यों, क्योंकि उसने भगवान की विरोध किया था, इसलिए अभी भी उसको जलाते रहते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति किया विभीषण, अभी भी घर घर में उसकी पूजा हो रही है। इसलिए निष्ठा मतलब है भक्ति में भले ही कोई विपत्ति आ जाए, लेकिन भले ही दुनिया छूट जाए, लेकिन भगवान की भक्ति हमारी नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए उसके बाद में रुचि है, उसके बाद में फिर आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या, भगवान के चरण में इतने आसक्ति, इतने भाव हो जाता है, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी सुनने को मिलता है, कभी कभी उनको भगवान की है नुपुरी की आवाज सुनने को मिलती है, कभी कभी उसको ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी हमें स्पर्श कर रहे हैं, कभी ऐसे लगता है ठाकुर हमें अधरा मृत पिलाए, ये भाव बोले प्रेम में अष्टम अष्टक में प्रेम है और प्रेम में साक्षात भगवत दर्शन है। इसलिए कृष्ण कौन सा गर्भ में आए, आठवां, बोले क्यों, बोले अष्टम जो स्टेज है साक्षात भगवत दर्शन है, इसलिए भगवान कृष्ण अभी आने वाले, माँ देवकी जब गर्भवत धारण की, 33 करोड़ देवता स्तुति कर रहे थे, गर्भ को स्तुति कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। देखो हम भी एक मिनट देवता लोगों की स्वागत करते हैं, हम भी थोड़ा स्वागत करते हैं, बोले सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम Thank you.
इनको इधर की तरह बैठा और दो मिनट करना चाहिए, एक चेयर और एक चेयर ले आओ, और भी एक चेयर दे दो पीछे से, दो है ना जी, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी बार पांच मिनट बता, एक बात मत करो, चुप बैठ जाओ, हरे कृष्ण। देखो अभी भगवान जन्म लेने वाले, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए ना, उनके लिए कितने स्वागत होती है, लेकिन अभी कौन जन्म लेगा, पालनहार विश्व ब्रह्मांड का मालिक अभी जन्म ले रहे, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ऐ बच्चे कल से ही बच्चों को आगे नहीं बैठना, पीछे बैठना, इसलिए अभी विश्व ब्रह्मांड का मालिक जन्म ले रहे, तो उसी के लिए कितने स्वागत नहीं होगा, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, अतः सर्व काल केतव काल परम सुभन, जितने सारे काल टाइम वो सबके सब कृष्ण की जन्म उत्सव को स्वागत करने के लिए ये सबके सब प्रकट हो गए। उसी समय से वृंदावन धाम एकदम जय जयकार लग रहा था, सारे पेड़ में फल फूल लग गए हैं, और एक साथ में सारे फूल और वृंदावन जैसे दुल्हन, ऐसे दुल्हन जैसे वृंदावन सज गई। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है अभी वृंदावन धाम सोच रहा है, ये पृथ्वी सोच रही है, भगवान हर अवतार में मेरे ऊपर कृपा की, जब भगवान वामन बनकर के आए थे उन्होंने चरण उतरा पृथ्वी को नाप लिया, जब राम बन करके आए थे, आप लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, आप लोग बताओ माता सीता जी कहाँ से प्रकट हुई, बोलो कौन बोलेगा माता सीता कहाँ से प्रकट हुई, धरती से, अभी सीता को साथ में शादी नस्ती हुई है राम से, बताओ राम का अभी ये पृथ्वी क्या लगती है, हाँ उनके सांसू लगती है, इसलिए पृथ्वी सोच रही है मेरे को रामावतार में मेरे को प्रभु अपना सांसु बनाए, अभी कृष्णावतार में कहते यही पृथ्वी ये सत्यभामा बन करके आई, और भगवान की सत्यभामा से शादी हो रही है, इसलिए बोले मेरे को ठाकुर जी अपना पगनाई बनाएंगे, इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, और भगवान हर अवतार में पादुका पहने, लेकिन जो बोले कृष्ण हुए उन्हें नंगे पैर में सर्वत्र भ्रमण किया है, इसलिए पृथ्वी को चरण स्पर्श पाकर के पृथ्वी कभी घास नहीं उनकी रोंगट खड़ी हो जाती थी, बल्कि झरना नहीं प्रेम से उनका आंखों से आंसू बहती थी, इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न, और जो यमुना पटरानी इतने खुश, बोले क्यों, बोले ये यमुना तट से कलकल नाद करते 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 वहीं से आ रही है, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल ठाकुर जी ब्रज में तो मेरे को सखी बनाएंगे और मथुरा मेरे को पटरानी बनाएंगे और भगवान जल में जल विहार करेंगे, इसलिए बड़े प्रसन्न हो रही थी। बोले और जो दूसरे दूसरे नदियां थी गंगा सरस्वती, बोले ये भी खुश हो रही थी, बोले ये क्यों खुश हो रही थी, बोले ये यमुना है ये सबसे बड़ी बहेगी और जो दूसरे दूसरे नदी आदि छोटी बहेगी, अगर कृष्ण की शादी यमुना से हो गई फिर छोटियां क्या लग गई, कृष्ण की साली, कृष्ण की ये साली, आप देखना कभी कभी दामाद पत्नी से सालियों को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए सब नदी खुश हो रहे थे हम कृष्ण की साली बनेंगे और हमें कृष्ण बड़े प्रेम करेंगे। कहते जो कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन एक कमल का फूल खिल गया रात में, बोले क्यों, कि रात में फूल खिल गया, इसका पीछे दो कारण बताए, बोले दो कारण क्या, बोले पहला कारण है संत जब भगवान के स्वरूप को उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नारायण, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय,
नमस्ते पंकजाग्र मतलब भगवान की नेत्र कमल चरण कमल उनकी नाभि कमल 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 को साथ मुदार देंगे इसलिए कमल फूल खिल गया। दूसरा कारण बताए भगवान चंद्र वंश में आ रहे हैं। कौन सा वंश में कृष्ण आए कौन सा वंश में हम लोग कथा नहीं समझे सब उधर देखे इसलिए भगवान चंद्र वंश में आए। राम कौन सा वंश में आए थे सूर्य वंश में। जब भगवान राम सूर्य वंश में आए सारी अयोध्या सब नाच रहे थे गा रहे थे लेकिन केवल चंद्रमा दुखी होकर के रो रहा था कोने में बैठ गए थे। भगवान राम चंद्रमा से पूछे बोले चंद्रमा देखो मेरे जन्म उत्सव में सब नाच रहे तो यहाँ बैठ करके रो रहे क्यों। बोले प्रभु रोऊंगा नहीं क्यों हंसूंगा तुम बोले तुम भी नाचो ना तुम क्यों हंसना क्यों नहीं हंस रहे। बोले प्रभु जी देखो ये सूर्य को और एक महीना से एक जगह पर टिका हुआ है हां वो सूर्य हटाए नहीं क्योंकि एक महीना तक वहां पर उत्सव चलते रहा। बोले जब तक ये सूरज नहीं जाएगा चंद्रमा कैसे आएगी मैं आ ही नहीं सकता हूँ। तब भगवान ने बोले कोई बात नहीं अगली बार ना मैं तेरे वंश में आऊंगा। खुश है बोले पता नहीं कब आओगे द्वापर युग कब आएगा अभी तो मैं वंचित हो गया। बोले चिंता मत करो मेरा नाम तो राम होगा लेकिन सबके सब तेरे नाम पर राम चंद्र बोल कर पुकारेंगे। अभी खुश हो बोले प्रभु मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ इसलिए भगवान अभी चंद्र वंश में आ रहे हैं। जब चंद्र वंश में आए वो तिथि कौन सा थी बताओ तो भगवान कौन सा रात में आए अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि का जो चंद्रमा आधा होता है लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण रूप में आ गए। बोले क्यों ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं पूर्ण रूप में। जब इतने पूर्ण रूप में आए चंद्रमा का किरण इतना प्रकाश इतना तेज था कमल का फूल खिलता है दिन में सूर्य का किरण में लेकिन ये कमल को तो भ्रम हो गया ये चंद्रमा ना ये सूरज है। क्यों भगवान चंद्रमा से ना आए चंद्रमा पूरा सोलह कला को प्रकट करके बड़े तेज रूप में प्रकट हुए इसलिए कमल उसको देख कर भ्रमित हो गया और खिल गया रात में कमल को खिल गया। अभी चंद्रमा ऊपर में और नीचे मेघ है उस समय आकाश में मेघ छाया हुआ था रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। अभी मेघ नीचे ऊपर में चंद्रमा अभी चंद्रमा मेघ में लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा मेघ को कहता ले मेघ मेरे सामने से हट जा। बोले क्यों तो तेरे को पता नहीं आज प्रभु मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं भगवान आज मेरे रूप रूप को लेकर के मेरे रंग को लेकर के प्रभु आ रहे हैं। अरे बोले तेरे रंग को लेकर मेरे वंश में आ रहे हैं दोनों में तो लड़ाई शुरू हो गई। देवता लोग बोले भैया अभी लड़ने का थोड़ी समय है अभी तक आनंद लेने का समय है थोड़ी तुम भी हट जा उसको भी आनंद लेने दो तुम भी आनंद लो तो नहीं आनंद में लो और सबके सब खुश रहो। इसलिए सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था और ठीक उसी समय में भगवान कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था जब भगवान प्रकट हुए इतने में भगवान चतुर्भुज रूप से आए। देवों की वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हमने पुत्र रूप में प्रार्थना किया था आप भी चतुर्भुज रूप लेकर के आए हो। बोले देखो पूर्व जन्म में तुम कृष्ण और सुतमा थे और तुम दोनों ने कठोर तपस्या करी की केवल पेड़ का पत्ते को खा खा करके साथ आ चल सा। मैंने कहा बर्मा को और तुम दोनों ने बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा दीजिए। मैंने कहा मेरे जैसे कोई नहीं मेरे जैसे तो मैं हूँ। भगवान बोले मैं ही बेटा बन करके आऊंगा है उसको स्मरण करने के लिए आया हूँ। देखो अभी मैं बालक बन जाऊंगा और मेरे को लेकर के गोकुल में वहां पर एक बेटा वहां पर एक बेटी हुई है मेरे को वहां रहते को बेटी को ले आना। बोले प्रभु जी कैसे जाए कि हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई पहरादार और बड़े बड़ा ताला लगा हुआ है हम जाएंगे कैसे। बोले कोई चिंता मत करो केवल मेरे को अपना सर पर रख लो है मेरे को केवल अपना सर पर रख लो देखना ये सारे बंधन टूट जाएंगे। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं देखो ध्यान देकर सुनो आप लोग इतनी सी शिक्षा यहाँ से लेकर के जाओ। जब कोई भी हम काम करें
जब भगवान को आगे लेकर के चलोगे ना, सब काम बढ़िया हो जाएगा। इसलिए कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रही है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। देखो ध्यान देकर सुनो, अब इतनी सी बात लेकर के जाओ। लेकिन हम लोग संसार में क्या करते हैं, जैसे बच्चे का बर्थडे मनाए, अपना साथी बनाए, सारा दुनिया लोग को बुलाएंगे, सारा दुनिया लोग को खिलाएंगे पिलाएंगे, सारा दुनिया के लिए बनाएंगे, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं। स्वयं दिन में तीन बार कपड़ा बदलाए, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनेंगे और ठाकुर जी 10-15 दिन से एक कपड़ा पहनकर बैठेंगे। ठाकुर जी प्रति हमारे कोई ध्यान नहीं, प्याज लहसुन डाल डूल करके सारा दुनिया को खाना खिलाएंगे और ठाकुर जी को एक गिलास दूध दे देंगे, नहीं तो थोड़ी सी भक्ता सा दे देंगे। जिसने जो सब कुछ तुम्हें दिया है उसी के लिए कुछ नहीं, जबकि सारा दुनिया के लिए हम सब करते हैं। ऐसे नहीं करनी चाहिए। अगर अपना बेटे के लिए कोई कपड़ा लाते हो ना, पहले बेटे के लिए बेटी के लिए मत लाओ, इसके लिए लाओ। इसके लिए लाओगे, पहले ठाकुर जी के लिए पहले लाओ, फिर दुनिया के लिए बाद में। दूसरों को खाना खिलाने से पहले, दूसरों को खाना नहीं, पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाओ। देखो आप लोग बुरा मत मानना, ये संतों का कहना है। एक संत कह रहे थे, पर जिस बच्चे का बर्थडे में नहीं तो शादी में हम क्या करते हैं, सारा दुनिया को बुलाएंगे, पता नहीं कितना बोतलों को तोड़ा देते हैं, कितने बोतलों को तोड़वा देते हैं और कितने जानवर को हम हत्या कर देते हैं, हैं? कितने जानवर को हत्या कर देते हैं, कितने लोगों को शराब पिला देते हैं। संत लोग कहते हैं, बोले भैया जिस बच्चे की बर्थडे में तुमने इतने लोगों को इतने शराब पिलाया और इतने जानवर को तुमने मरवाया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है? आप लोग बताओ, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा? वो संत कह रहे थे अगर 100 साल जिंदा होगा ना, झट उसको 50 साल होकर आएगा। क्यों? जिसने बच्चे के उद्देश्य में तुम इतने घंटा काम कर रहे हो। इसलिए कोई बच्चे का बर्थडे हो, शादीशुदा हो, कभी भी बोतल मत पिलाओ, हैं? ऐसे बोतल पीने वालों को भी मत बुलाया करो, गंदे चीनी खाने वालों को बुलाया मत करो उसमें। अगर हो तो उसमें केवल भगवान की प्रसाद दो, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाओ, भगवान को खाना खिलाओ, सबको भगवान की प्रसाद खिलाओ, जिसमें दूसरा का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण होनी चाहिए। भगवान ने बोले केवल करके सर पर रख लो, देखना सारे बंधन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। सचमुच से जब सर के ऊपर रखे ना, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, सारी और हथकड़ी बड़ी अपने आप खुल गई। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, आनंद देव छत्री रूप में उनको रक्षा कर रहे थे। अभी जब यमुना नदी पार कर रहे थे, अभी यमुना नदी सोच रही है कब से कब ठाकुर का चरण तो स्पर्श करे, इतने में यमुना उफरने लग गई। जब उफरने लग गई, कृष्ण पीछे से प्यार, उन्होंने प्यार को पीछे बढ़ाया और यमुना माता जी प्रभु की चरण को स्पर्श करके नीचे हो गई। फिर जोग माया के सियार बन करके आगे चल रही थी और उन्होंने नदी पार करके चले गए गोकुल में। देखो आज तक हम लोग ने भगवान कृष्ण मथुरा में कैसे जन्म हुए सुने, कल हम सवेरे सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म ले रहे। अब जो गोकुल की कथा है ना, बड़ी प्यारी कथा, इसलिए कल सबके सब जल्दी जल्दी आना। और कल से राधा रानी की जन्म होगी और कल भगवान राम का विवाह भी होगा। माता सीता के साथ में प्रभु राम की कथा और राम का विवाह, और लास्ट में राधा जी की जन्म कथा सुनेंगे और राधा रानी की जन्म उत्सव मनाएंगे। ठीक है, अभी प्रभु जी आपका सुंदर सुंदर बधाई सुनाएंगे और सबके सब भगवान की बधाई में नाचना। और बहुत कुछ ट्रॉफी भी आया है, अब सबको ये ट्रॉफी मिलेगा, अब इसको लुटाएंगे सबके सब। ठीक है, बस ये कृष्ण कन्हैया लाल की जय।